सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि हम लोग 4 मई से हम सबके प्रिय रचनाकार रमेश चंद्र शाह जी की जन्म तिथि से हमने यह एकाग्र शुरू किया। 4 मई से जब वे 85 वर्ष अपने पूरे करते हैं, 4 मई 2022। स्वयं हमने अनुरोध किया शाह साहब से कि वे आए और जो उनका एक सुदीर्घ रचनात्मक अवदान रहा है हिंदी और भारतीय साहित्य को, उस पर अपनी बात करें। तो पहली ही कड़ी में अपने ही जन्मदिन पर, हमारे आग्रह पर, वे हर्षपूर्वक उपस्थित हुए और लेखक का आत्मकथ्य उन्होंने रखा और क्या रोचक अंदाज में अपनी बात रखी। जिस रोचकता के लिए वे जाने जाते हैं, जिस जीवंत पाठ के लिए वे हम सबके बीच लोकप्रिय हैं। इसके बाद दूसरी कड़ी में 5 मई को जाने माने लेखक अनुवादक सुधीर कुमार जी का वक्तव्य हुआ। उन्होंने शाह जी के उपन्यास विनायक के अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा की और उसके बहाने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमारे समक्ष रखा और फिर एक एक करके कई और कड़ियां होती चली गई, जिनमें प्रयाग शुक्ल जी आए। उन्होंने अपने इस लेखक मित्र को याद किया और उसके बाद बिपिन चंद्र शाह जी आए, शाह जी के छोटे भाई, और उन्होंने भी क्या खूबसूरती से उनकी पूरी जीवन और साहित्यिक यात्रा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इसी तरह से स्मृति शुक्ल जी आई, उन्होंने शाह साहब के संस्मरण पक्षों पर, संस्मरण साहित्य में शाह जी के योगदान पर अपनी बात खास तौर से रखी, कुछ पत्रों के भी हवाले आए। फिर उर्मिला शिरीष जी आई, उन्होंने शाह साहब की कहानियों पर अपनी बात रखी और फिर उनके पुराने मित्र रमेश दवे जी आए, उन्होंने रमेश चंद्र शाह जी के सर्जक क्रियाशीलता पर, उनके सर्जक कर्म पर अपनी बात रखी। पुनः आनंद कुमार सिंह आते हैं, वे रमेश चंद्र शाह के कवि पक्ष पर खास तौर से अपनी बात रखते हैं और उस ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। और फिर एक बेहद रोचक प्रस्तुति राजुला शाह जी की और प्रदीप सटांगुले जी की संयुक्त रूप से, जिनमें अज्ञे मलियज और रमेश चंद्र शाह जी के बीच के पत्राचार को यहाँ पर रखा गया, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों का पाठ किया गया, वह भी एक बेहद खूबसूरत शुरुआत रही और लोगों ने उसे काफी पसंद किया। तदुपरांत हमारे जाने माने लेखक, जो मूल रूप से गुजराती में लिखते हैं, और अनुवादक सितांशु ईशचंद्र जी आए, उन्होंने भी समय और साहित्य का एक कोलाज प्रस्तुत किया और उस कोलाज में शाह जी की कई बंकिम मुद्राएं हमारे समक्ष आ सकी। फिर उनकी एक कहानी का पाठ हुआ, सुप्रसिद्ध थिएटर कर्मी और अभिनेत्री नवीन सागर जी की बेटी समता सागर जी की ओर से मुझे अच्छी तरह देख, इसे भी आप सभी मित्रों ने भरपूर स्नेह दिया। इसके बाद शाह जी के विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए और उनकी विभिन्न रचनाओं पर, कृतियों पर
निरंतर लिखते हुए शिवदयाल जी बोले और शिवदयाल जी ने इस अवसर पर कुछ नई कहानियों पर चर्चा की, उन कहानियों पर चर्चा की जो उन्हें प्रिय हैं। तो एक महत्वपूर्ण वक्तव्य उनका रहा और फिर इसी तरह से राम कुमार तिवारी जी ने अपनी बात रखी और मुकेश वर्मा जी ने भोपाल के दिनों को खास तौर से याद किया और रमेश चंद्र शाह जी के उपन्यासकार कथाकार पक्ष पर अपनी बात रखी। और फिर पूनम अरोड़ा आती हैं और वे भी शाह जी की कहानी रामरिख बाबू का पाठ करती हैं। और फिर हमारे साथ देव सिंह पोखरिया जी जुड़ते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शाह जी का लेखन कुमाऊनी में भी होता रहा है, तो कुमाऊनी के विकास में रमेश चंद्र शाह का योगदान कैसा है, इस पर एक सुदीर्घ वक्तव्य देव सिंह पोखरिया जी की ओर से हुआ। और फिर आगे बढ़ते हैं, श्रुति राबुत जी आई और उनके पिता किरण देशपांडे आए, जो स्वयं ये दोनों पिता पुत्री संगीत से जुड़े हुए हैं, शाह जी के पड़ोसी रहे हैं और अपने पड़ोस के दिनों की कई खूबसूरत यादें साझा की। इसके बाद कमल नयन शल्य जी आते हैं, वे भी शाह जी के लेखन में भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि और उसके समक्ष आने वाले अस्तित्विक संकट पर अपनी बात रखी और यह बात उन्होंने विशेषकर शाह जी के उपन्यास कथा सनातन के विशेष संदर्भ में रखी। पुनः प्रोफेसर रीता रानी पालीवाल जी आती हैं और वे रमेश चंद्र शाह जी के रचनात्मक अवदान पर बात करती हैं। मशहूर रंगकर्मी और अभिनेता जितेंद्र शास्त्री आते हैं और शाह जी की एक बेहद चर्चित कहानी, अलग तरह की कहानी, परकाया प्रवेश करती हुई कहानी थिएटर का पाठ करते हैं। पुनः कुलदीप भंडारी आते हैं जो हरमन हेस्से और रमेश चंद्र शाह के लेखन में विषयगत समानताओं पर अपनी बात रखते हैं। फिर शाह जी की बड़ी पुत्री शिल्पकार लेखक शंपा शाह आती हैं और विभिन्न दृश्यों के कोलाज में अपने लेखक पिता को बहुत ही अनूठे ढंग से याद करती हैं और उस बहाने कई और पक्षों को भी उठाती हैं, कई नए पक्षों की ओर हमारा ध्यान जाता है। तदुपरांत डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त जी आते हैं और रमेश चंद्र शाह जी के संस्मरणात्मक और पत्र साहित्य पर अपनी बात रखते हैं। और चूंकि मित्रों हम हर एक आग्र में यह कोशिश करते हैं कि लेखक की रचनाओं का पाठ भी हो, तो इस 24वीं कड़ी में शर्मिला जालान लेखक आती हैं और शाह जी की कहानी कथावाचक का पाठ करती हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, अमिता नीरव जी भी यहां उपस्थित हुई 25वीं कड़ी में और शाह जी के पहले उपन्यास, एक महत्वपूर्ण उपन्यास गोबर गणेश की प्रासंगिकता को लेकर अपनी बात रखती हैं। फिर इस एकाग्र की 26वीं कड़ी में अमिता शर्मा जी आती हैं जो स्वयं एक कवित्री हैं, उपन्यासकार हैं और जिन्होंने रमेश चंद्र शाह जी की कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं, उन कविताओं को बखूबी समझती हैं जिनमें खास तौर से दर्शन है और अध्यात्म भी है, जीवन की जो जटिलताएं हैं वे तो खैर हैं ही। तो अमिता शर्मा जी ने भी रमेश चंद्र शाह की कविता और उनके अनुवाद की संभावनाओं पर बात करती हैं। और कल आपने सुना राजूला शाह जी को कि एक पिता अपने घर में कैसा होता है
और पत्राचार में कैसा होता है, और कुछ ऐसे पत्रों के हवाले से उन्होंने अपनी बात रखी जिन्हें कल कई मित्रों ने कहा कि उन्हें भी बतौर किसी संकलन में आ जाना चाहिए। और आज हम सभी के अनुरोध पर, हम सभी के आग्रह पर पुनः रमेश चंद्र शाह जी उपस्थित हैं। यह हमारे लिए निश्चय ही एक बड़ी बात है कि हमारा लेखक हमारे साथ है। शाह साहब, इस अवसर पर आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी की इच्छा थी कि आप से ही इस एकाग्र को हम लोग विराम दें। शुरुआत में हमने आपका जो आत्मकथ्य था उसे सुना, और आज हम लोग जो एक लेखक की, एक विचारक की अपनी यात्रा है उसके बारे में जानेंगे। वह कालजयी साहित्य को लेकर क्या सोचता है इस पर चर्चा होगी, और स्वयं वह अपने जीवन को कैसे एक अंतहीन यात्रा पर लेकर चल रहा होता है। तमाम प्रश्नाकुलताओं के बीच एक लेखक अपनी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को रच रहा होता है। तो आज हम शाह साहब के उस नए रूप से भी अवगत होंगे, और जब लेखक स्वयं अपनी बात रखता है तो उसका अपना एक खास अंदाज होता है और उसका एक खास महत्व भी होता है। मित्रों, तो हम अभी शाह जी को सुनेंगे और उसके बाद कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए हैं, कुछ जाने माने रचनाकारों के प्रश्न हैं, जिनमें सरा राय जी हैं, रंजना अरगड़े जी हैं, जयशंकर जी हैं। इन लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। अपने वक्तव्य के अंत में शाह साहब उन प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। और अगर इस कार्यक्रम को सुनते हुए आप में से कुछ मित्रगण पूछना चाहें तो जरूर पूछें। हमारी कोशिश रहेगी कि इन इस कार्यक्रम में भी जो प्रश्न आएंगे उनको भी हम अधिक से अधिक संख्या में ले सकें और उन पर शाह साहब के जवाब को सुन सकें। तो मैं मित्रों, आप सभी की ओर से शाह साहब का पुनः स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी। मेरे सम्मानशील मित्रों और अनूठे आयोजन कौशल के धनी बंधुवर अर्पण कुमार जी, इस श्रृंखला से के निमित्त से अब तक आपको मेरे कवि कथाकार की कई झलकियां मिल ही चुकी हैं। अब मैं इस अवसर पर अपने सुदीर्घ साहित्यिक कृतित्व से जुड़े हुए गद्य की, चिंतन सृजनात्मक गद्य, ललित निबंध नहीं हो सका कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आशा है कि इन चिंतनात्मक निबंधों से आपके मन मस्तिष्क को कुछ रोचक अर्थोत्तेजन, अर्थोन्मेष मिल सकेगा। सबसे पहले तो मैं अपनी सृजन यात्रा का एक खाका आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने एक निबंध हिंदी की जातीय संस्कृति के कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और आखिर में यदि समय ने साथ दिया तो कालजयी साहित्य की जो पहचान से जुड़े मेरे जीवन व्यापी सरोकार हैं उनका साझा आपके साथ करने का उत्साह मैं अपने भीतर उमड़ते हुए भा रहा हूँ। वाह, तो मित्रों, मेरी सृजन यात्रा नींद की नदी में उगा, कलरव करता झरना एक
धसता अपने भीतर, अपने भीतर, जहां खिड़की पर पहली पहली बर्फ से घिरा बच्चा, और उससे भी ज्यादा अवाक एक पहाड़। मित्रों, यह मेरी चेतना में, मेरी स्मृति में दर्ज हुआ पहला बिंब है, पहला बिंब। पता नहीं 3 वर्ष का रहा हूँगा मैं या 4 का, ऐसे। तो क्या यही मेरी चेतना में दर्ज हुआ पहली घटना, वह आदि बिंब है जो कि स्मृति के अतलांत में अटका हुआ था, मानो इसी कविता के जरिए प्रकट होने को की प्रतीक्षा में। पर एक यही क्यों, और भी तो कई सारे बिंब हैं, कई सारी मूर्तें जो कि मानव से अपना पावना वसूल करने को ही प्रकट हो रही हैं। स्मरण शीर्षक यह कविता ही देख लीजिए जरा। एक गरीब मोहल्ला सार्वजनिक नल के नीचे रात भर ठिठुरते खाली बर्तन। एक गरीब मोहल्ला सार्वजनिक नल के नीचे रात भर ठिठुरते खाली बर्तन। हाँ, मैंने देखे हैं जाने कितने सूर्योदय उनमें डब डबाते। मित्रों, आखिर क्या बात है कि सुदूर बचपन के कुछ खास स्मृति बिंब ही हजारों बिंब पड़ते होंगे, कुछ ही उनमें से क्यों यथावत हमारे भीतर टके रह जाते हैं, हजारों बिंबों में से वही क्यों हमें बारंबार याद आते हैं, पकड़ते हैं, और हमारे अंतर जीवन के लिए, हमारी रचना के लिए भी एक निर्णायक महत्व के साबित होते हैं। कैसे होता है ये कि हमारे वेदन तंत्र पर अंकित कुछ ही आवाजें, कुछ ही मूर्तें, कुछ ही हरकतें और छवियां लौट लौट करके आती हैं हमारी जीवनानुभूति को उसके हर पड़ाव पर आलोकित करने। कविता में ही क्यों, उपन्यास रचना के दौरान भी तो वे बड़े अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो जाती हैं वे छवियां। जैसे मेरा पहला ही उपन्यास है गोबर गणेश, उसकी शुरुआत जिस तरह से हुई वह स्वयं मेरे लिए सर्वथा अप्रत्याशित और विस्मयकारी थी। जिस परिवेश को मैं कभी का पीछे छोड़ चुका था, मुझे कल्पना नहीं थी कि वह मुझ में इतने गहरे भिदा हुआ है, धंसा हुआ है, और अपने स्थानीय रंगों में इतने व्यापक अभिप्रायों को व्यंजित करने वाला। आप देखिए कि किस खूबी से रचना की प्रक्रिया में सब कुछ का कायाकल्प हो जाता है, और फिर भी एक अक्षय ताजगी और तात्कालिकता के साथ हम अपने ही जिए हुए और भोगे हुए से उबर करके अपने ही जीवन के प्रच्छन्न मर्म को मानो पहली बार देखने बूझने लगते हैं। और अपने ही क्यों, अनगिनती उन दूसरों के जीवन को भी जिन्हें मानो हमने कभी इस तरह से देखा समझा ही नहीं था, वे मूर्तें स्वयं हमारे लिए हमारे होने का मतलब उघाड़ती हैं। ऐसे ऐसे अभिप्राय वे अपने भीतर सजे होती हैं जो कि मानो पहले से तय था हमारे लिए, और मानो इसीलिए जीवन के प्रवेश द्वार पर ही वे बिंब हमको अपनी अगवानी करते मिले। मित्रों, कुछ नगर सनातन प्रतीत होते हैं, जैसे अल्मोड़ा, लगता ही नहीं कभी भी नहीं भी रहे होंगे। विशुद्ध आंचलिक से लेकर के व्यापक राष्ट्रीय भावबोध तक, और उससे भी आगे हमारी भावनाओं संवेदनाओं के समूचे वर्णपट को प्रभावित करने वाला परिवेश कदाचित मेरे उस घर और उस नगर का ही प्रसाद है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मन में वह अनुभूति भी उतनी ही स्पष्ट है कि मेरे उस घर और उस नगर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि इस महादेश भारतवर्ष के हजारों कस्बों और लाखों घरों में न हो। मेरी अधिकतर जिज्ञासाओं और जीवन व्यापी चिंताओं के सरोकार बीज उसी मेरी पहाड़ी कस्बाई मिट्टी में
पड़े होंगे, जिसने कि मुझे न केवल मानव चरित्र की चोटियों और गह्वरों दोनों की पहचान कराई, बल्कि विराट प्रकृति और भारतीय पारंपरिक संस्कृति के भी जीवंत सौंदर्य और जटिल समस्याओं का भी भरपूर अनुभव कराया। मित्रों, मुझे लगता है कुमाऊनी आदमी देवताओं के प्रजातंत्र में मानो जन्मना दीक्षित होता है। इतने दुख दारिद्र, इतने कलह कोलाहल के बीचों बीच कैसे ऐसी उत्सवी जिंदादिली और विनोद वृत्ति का अद्भुत मेल, जो कि मैंने वहां अपने बचपन में लड़कपन में देखा पचाया। मुझे लगता है जीवन की मेरी जो बुनियादी अनुभूति और संवेदना है, उसके निर्माण में सबसे बड़ा योग उन्हीं इमेजेस को, उन्हीं ध्वनियों बिंदुओं को है। जैसे पहाड़ी होली और रामलीला का मेरी भाव दीक्षा में, मेरी इमोशनल एजुकेशन जिसे मैं कहता हूँ। मित्रों, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन जिसे कहा जाता है ना, वो पर्याप्त नहीं है, किताबी इमोशनल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है आदमी के जीवन में, भाव दीक्षा। तो इन सारे त्योहारों उत्सवों का अद्भुत योगदान रहा मेरे इमोशनल एजुकेशन में। लोकमन में प्रतिष्ठित गोल्ड देवता शरीर के देवताओं का भी, जिन्होंने नायास मेरे उपन्यास गोबर गणेश का एक समूचा अध्याय ही अपने नाम करा लिया कुल देवता ने। इसी तरह सबसे बड़ा मेला नंदा देवी का मेला, कुमाऊनी आशु कविता का भी अकूत खजाना खुलता था और जो मुझे बेहद रमाता था। यह निरा संयोग नहीं था मित्रों कि मेरे उस पहले उपन्यास गोबर गणेश का आरंभ ही उसी स्मृति के उद्रेक से होता है। प्रसंगवश मैं जोड़ दूं यहां पर कि बाद के भी मेरे कम से कम तीन उपन्यासों किस्सा गुलाम, पूर्वापर तथा पुनर्वास का भी परिवेश और पृष्ठभूमि कुआओं की ही है। हालांकि चालू अर्थ में जिसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है ना, उससे आप इसको सीमित नहीं कर सकते, आंचलिक उपन्यास नहीं है वो। आखिरी दिन उपन्यास कश्मीरी आतंकवाद की विषय वस्तु को लेकर लिखा गया और काफी बाद में प्रकाशित आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू एक प्रयोगशील उपन्यास है। सुनो, मैंने एक ऐसा प्रयोग किया है जो स्वयं मेरे लिए अप्रत्याशित था। लेखक को अपनी जीवनी लिखनी चाहिए या नहीं, इसी उधेड़ बुन को लेकर के वो उपन्यास शुरू हुआ। कविता करने का चस्का तो मुझे बचपन से ही पड़ चुका था। साहित्यिक वातावरण जिसे कहते हैं, वैसे तो कोई चीज अपने घर में या अपने आस पड़ोस में मुझे सुलभ नहीं रही, मगर जिस प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में मैं पला पुसा, वह ऐन्द्रिक संवेदनों को जगाने के लिए भी पर्याप्त था और जिसे मैंने अभी अभी इमोशनल एजुकेशन कहा है, भाव दीक्षा, उसके लिए रघुनाथ मंदिर जो पड़ोस में था उसका बहुत छोटा सा एक पुस्तक भंडार था, एक अलमारी थी, उसकी बदौलत वाल्मीकि रामायण, महाभारत और कई पुराण, भागवत पुराण भी मेरे हाथ लग गए हितोपदेश जैसे। मेरा तो स्मृति ये कहती है कि पहला इम्पैक्ट हमारे ऊपर हितोपदेश का पड़ा, कथारस, हिंदुस्तानी कथारस का सबसे नायाब नमूना हितोपदेश। इसीलिए उसके सैकड़ों श्लोक, मेरी स्मृति कोई बहुत तीक्ष्ण नहीं है, बहुत एवरेज आदमी हूँ मैं इस मामले में, औसत जैसी याददाश्त होती सबकी, वजह
जी मित्रों, मुझे लगता है कि कुछ कनेक्शन स्लो हो गया है, इसलिए शाह साहब की यह तस्वीर फ्रीज हो गई है। मैं थोड़ी सी, हाँ जी देवताओं के जैसे वैविध्य था ना, मैंने देवताओं का प्रजातंत्र कहा है। ये धर्म की मेरी बुनियादी आधारभूत समझ वहां से मुझे देवताओं का प्रजातंत्र, यह मानव वैविध्य उसी की तरह, ये मानव वैविध्य जो था वो भी मुझे चमत्कार करता था मेरी उसी ही खिड़की से। अटक गया है वो। अभी ठीक है, अभी ठीक है शाह साहब, अभी ठीक है, आप कंटिन्यू करें। जी शाह साहब, हाँ जी, ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करें। शुरू बीच में करें। दूसरे के लिए दिक्कत आई थी। हाँ, सुबह से शाम तक भरे पूरे बाजार का कोलाहल कानों में रचा रहता है। हर रंग हर मेल की आवाजें, कोई भी कंठ स्वर किसी दूसरे कंठ स्वर से मिलता जुलता नहीं। उसी खिड़की से हिमालय के शिखर भी दिखाई देते थे, त्रिशूल नंदा देवी वगैरह, और अपनी सरी के दूसरे फटे पुराने घरों की छतें। उन अनेक रंगमंचों पर एक के बाद एक अनायास उभर आती, अनायास बिला जाती आकृतियां और जीवन लीलाएं भी। मित्रों, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूँ इस बात को, कि कविता लिखने की जो मनस्थिति होती है ना, वो एक बड़ी विरोधाभासी मनस्थिति होती है, पैराडॉक्सिकल। उसमें चंचलता और निस्तब्धता, गंभीरता और शरारत, सामाजिकता और निजता, प्रवृत्ति और निवृत्ति, लगाव और विलगाव, मानो एक साथ काम करते हैं कविता की रचना प्रक्रिया में। यही कारण है कि वो अन्य विधाओं की अपेक्षा ज्यादा गहरी चीज बन जाती है। तो ये विरोधी ध्रुवों के बीच, जीवनानुभूति के विरोधी ध्रुवों के बीच झूलती मेरी, मुझे बचपन के व्यक्ति की, दोनों के बीच एक संतुलन कमाने का, स्थापित करने का उपक्रम रहा होगा प्रकृति की तरफ से, मेरे भाग्य की तरफ से। मसलन जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और स्वयं लेखक कहलाने वाले लोगों के भी विचित्र आत्महीन आचरण के चलते एक अभूतपूर्व घुटन मुझे महसूस होती थी। कुछ लिख नहीं पा रहा था मैं, महीनों हो गए थे। ऐसे में एक दिन अकस्मात हरिश्चंद्र आओ नाम की कविता मेरे ऊपर फूटी। जो हम तुम हो राजी करेगा क्या काजी, टके शेर बुलबुल टके शेर भाजी। इस पहली पंक्ति के उपजने के साथ ही एक अद्भुत लयात्मक उत्तेजना मेरे ऊपर हावी हो गई। लगा जैसे छाती पर एक भारी चट्टान अभी तक रखी हुई थी वो अचानक हट गई। वह कविता मुझे उस लंबी घुटन, उस लंबी गुंगलाहट से उबारने को ही प्रकट हुई थी, और अपना काम पूरा करके ही गई। इसी तरह अपनी लंबी कविता द्वैपायन, व्यास पर्व नाम रखा है मैंने जिसका, उसका भी रचना प्रसंग मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, जिसका साझा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। माँ के देहावसान की सूचना पाकर मैं अल्मोड़ा जा रहा था। दिल्ली से बस शाम को पकड़नी थी, सो सुबह सुबह दिल्ली पहुंचा तो हमेशा की तरह सीधे मैं अज्ञेय जी के घर चला गया। शाम को निकलते वक्त अज्ञेय जी ने मुझसे कहा, सुनिए, आपको वापसी में फिर यहीं आना है, 3 दिन यहीं रुकेंगे आप मेरे पास ही। साहित्य अकादमी महाभारत पर गोष्ठी करने जा रही है पहली बार, उसमें आपको
पेपर पढ़ना है आधारभूत। मैं आश्चर्य विमूढ़ अवाक उन्हें देखता ही रह गया। क्या मेरी ऐसी मनस्थिति हो सकती थी उस वक्त ये काम करने की? लेकिन अल्मोड़ा प्रवास के दौरान उस अत्यंत विषण मनस्थिति में भी एक दिन मैंने पाया कि मैं कविता लिख रहा हूँ, और वह भी कृष्ण द्वैपायन व्यास पर। सपना है यह द्वीप और मैं भी सब हूँ सपना। इस पंक्ति के अकस्मात प्रकट होते ही मेरा मन बंध सा गया। फिर तो लगातार कई दिन तक यह कविता मेरे साथ रही और पूरी भी हो गई, लंबी कविता है, और उसके सहारे मैं उबर गया। इधर कविता पूरी हुई और उसके तुरंत बाद मैंने वह लेख भी लिख डाला जिसके लिखे जाने की बात तक मुझे अकल्पनीय थी, महाभारत पर। जैसे तुम ही हो गवाह इस ढलती हुई सदी के, जैसे तुम ही व्यास कृष्ण द्वैपायन इसकी नेकी और बदी के। स्वभाव तो अज्ञेय जी ही पहला को ही पहला श्रोता होना था इस कविता। वो सामान्यतः कविता सुनकर कोई वैसा उद्गार कभी प्रकट करते नहीं थे, लेकिन जने इस कविता के समाप्त होते ही उनके मुंह से निकला मजा आ गया। एक नहीं दो तीन बार मजा आ गया, मजा आ गया। फिर बाद में ये भी बोले ये तो आत्मकथा हो गई कृष्ण द्वैपायन व्यास की। मित्रों, कविता की रचना प्रक्रिया और जीवन की प्रक्रिया दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। शायद इसीलिए कविता से मिलने वाला समाधान या प्रकाश जीवन की द्वंद्वात्मक जटिलता से सबसे ज्यादा गहरे में जूझते हुए पाया गया समाधान होता है। यह है असली वैल्यू कविता की। अनुभव से धीरे धीरे ये भी समझ में आता है कि क्यों हमारे जीवन में बौद्धिक स्पष्टता की तुलना में भाव संवेदनात्मक परिपक्वता ज्यादा जरूरी है, ज्यादा गहरी तलब है आदमी की, और कठिनतर सिद्धि है जो कि बड़ी दीर्घ जीवन व्यापी साधना की मांग करती है। लोग इस बात को गहराई में समझते नहीं। इमोशनल मैच्योरिटी, यथार्थ बोध और आत्मज्ञान किस कदर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, यह हर कवि, हर जेन्युइन कवि अपनी हर कविता के साथ नए सिरे से सीखता है, नए सिरे से इसका ज्ञान कमाता है। मित्रों, ये तो भी कविता की बात। कहानी लिखना कविता लिखने से कहीं ज्यादा कठिन है, ऐसा मुझे लड़कपन के वर्षों में लगा करता था। प्रसिद्ध अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पोप की गर्वोक्ति है कि मैंने तो तुतलाना भी पद्य में ही सीखा। आई लिस्ट इन नंबर्स और द नंबर्स केम। ये मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती थी, स्वभावोक्ति लगती थी। क्यों? क्योंकि पद्य रचने की वैसी आनंदमयी उत्तेजना मुझ पर भी बहुत जल्दी हावी हो गई थी। मगर अपनी पहली कहानी तवलची मैंने बहुत देर में लिखी, शायद 12वीं में पढ़ता था मैं तब। आप सभी जानते हैं कि गद्य पर पकड़ पाने में देर लगती है। जब हमारी समझ, हमारा सामाजिक बोध विकसित होने लगते हैं। हाँ, उपन्यास की दीक्षा मेरी बड़े रोचक ढंग से, बड़े विचित्र ढंग से। कैसे? सुनिए, हमारी दुकान में लोग अक्सर रद्दी बेच जाते थे। सामान लपेटने के लिए कागज की जरूरत होती है ना। पिताजी को उस रद्दी पर आंख गड़ाए में कई बार देखता था। बहुत छोटी सी एक दुकान थी सब्जी की और एक कुछ अन्य चीजों की। तो मैं देखता था, कहने पिताजी जल्दी से कागज फाड़ के वो लपेटने के बजाय पढ़ने लग जाते थे उसको। वहां ग्राहक खड़ा है और वो पढ़ रहे हैं।
तो ये मुझे स्वभावोक्ति लगती, पद्य रचने की आनंदमयी उत्तेजना मुझ पर बड़ी जल्दी हावी हो गई थी। लेकिन अपनी पहली कहानी तबलची जो मैंने लिखी, वो लिखने में बहुत देर लगी, शायद बीए फर्स्ट ईयर बीए में पहुंच गया था मैं तब लिखी। यह भी गद्य पर पकड़ पाने में देर लगती है जब हमारी समझ, हमारा सामाजिक बोध विकसित होने लगते हैं। तो मैं बता रहा था ना कि हमारी दुकान में क्या होता था, दादाजी उस रद्दी पर आँख गड़ाए रहते थे, कागज फाड़ते हुए उसे जेब के हवाले कर देते थे बजाय उसमें सामान लपेटने के। तो ये रहस्य बहुत बाद में मेरी समझ में आया, वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, मुश्किल से सेवंथ पास होंगे, सातवीं कक्षा। कहाँ से आया उनमें, कहाँ से आया कि रद्दी में भी वो साहित्य सूंघ लेते थे, पकड़ लेते थे, अपनी जेब के हवाले कर लेते थे। तो इसी तरह से अपने जेब के हवाले की हुई, रद्दी में से फाड़ी हुई एक किताब मेरे हाथ लगी, वो क्या थी, महान क्लासिक उपन्यास विश्व का डॉन क्विक्सोट, उसका हिंदी अनुवाद। अनुवाद भी ऐसे ही था, वो मामूली, लेकिन बहरहाल था। मूल उपन्यास तो 900 पेज का है और ये जो हिंदी अनुवाद था ये तो मुश्किल से 125 पेज का था, बहरहाल था। तो उनके अलग छांट के रख दी थी उन्होंने वो रद्दी में से, तो मेरे हाथ लग गई। किंज्योति नाम था हिंदी में डॉन क्विक्सोट का उपन्यास का। इस तरह देशी विदेशी का फर्क ही मिटा देने वाला विशुद्ध सेकुलर कथारस मेरे भीतर कैसे भीदा, ये मैंने आपको निवेदन किया। उस क्षण का रोमांच मुझे आज भी स्मरण है जब टॉलस्टॉय का प्रसिद्ध उपन्यास है ना रिजरेक्शन, वो भी अपने हिंदी पुनर्जन्म में इसी तरह उस जमाने में उस छोटी उम्र में। कहाँ मेरी ऐसी उम्र थी, ऐसी तैयारी थी कि मैं रिजरेक्शन मूल अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ सकता था, लेकिन किसी ने कर दिया उसका अनुवाद हिंदी में संक्षिप्त संस्करण रिजरेक्शन का, वो पढ़ डाला मैंने उस छोटी उम्र में। तो पता तो चला ना, संस्कार तो पड़ गया मेरी मेरे भीतर। तो महान साहित्य मेरे मित्रों इसी तरह से रद्दी के भाव और रद्दी के भेष में ही मुझसे मिला। मैं कोई बड़े धनी मानी घर का जिसके पास सारी सुविधाएं हैं करता ही नहीं था ऐसा, लेकिन क्या फर्क पड़ा इससे, महान साहित्य रद्दी के भेष में ही मुझसे मिला, बिना मुझे यह जताए, बिना मुझे आतंकित किए कि मैं महान साहित्य हूँ। ऐसे ही वह शाम मेरी स्मृति में एक शिलालेख की तरह खुदी हुई है मित्रों, जब पिताजी अचानक मेरी कोठरी में दाखिल हुए, उनके हाथ में एक किताब थी फटी पुरानी सी जिसे वे मेरे हाथों में पकड़ा रहे थे, लेकिन तो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अपनी हालत पर उन्हें खुद ही छेप लग रही होगी, तभी तो वे किताब मुझे किसी तरह से पकड़ा के उल्टे पांव सीढ़ी उतर गए। किंतु उनकी वह कंठावरुद्ध भाव विह्वल मुद्रा में कभी नहीं भूल सकता। वह किताब क्या थी पता है, प्रेमचंद का रंगभूमि। उसने ऐसी दशा कर दी थी उनकी जिसका साक्षात्कार मैंने किया उस शाम। दुकान छोड़ करके वो भागते भागते आए, इतने उत्तेजित हो गए, वो किताब जब तक उन्होंने थमा नहीं दी चैन नहीं पड़ा। तो मित्रों साहित्य क्या चीज है, साहित्य की शक्ति का वह पहला प्रत्यक्ष पाठ था मेरे लिए, जो कि शायद दुनिया का कोई विश्वविद्यालय मुझे नहीं दे सकता था, दुनिया का बड़े से बड़ा पुस्तकालय भी मुझे नहीं दे सकता। तो कहानी उपन्यास लिखने की प्रेरणा मुझे अपने परिवेश की जीवंतता से, मानव चरित्रों के प्रति घनघोर कुतूहल और आकर्षण के कारण मिली होगी। यह जो मनुष्य नामक प्राणी है मित्रों, करुण और हास्यास्पद
अपनी क्षुद्रता और अपनी विशालता दोनों में अनप्रेडिक्टेबल, अपूर्वानुमेय। यही कालांतर में मेरी औपन्यासिक जिज्ञासा जिसने मुझसे उपन्यास लिखवाए, क्यों कहा गया उपन्यास को आधुनिक जगत का महाकाव्य, क्योंकि महाकाव्य नहीं लिखे जा सकते थे, अब वो जगह उपन्यास को लेनी पड़ी है, वो जरूरत उपन्यास ने पूरी की। अब जहां तक कहानी की बात है तो मैं शुरू में तो लगातार असफल होता रहा अच्छी कहानी लिखने में, पर एक लंबे अंतराल के बाद जब फिर से कहानी में लौटना हुआ तो मैंने क्या पाया कि मैं अपने भीतर चलने वाले लगा, 24 घंटे जो मोनोलॉग मेरे भीतर चलता रहता था उसी को कहानी का रूप दे रहा हूँ। निर्मल वर्मा ने मेरे पहले ही कहानी संग्रह जंगल में आग पर बड़ी सुंदर टिप्पणी लिखी थी, मुझे याद है जबानी, वो टिप्पणी लिखी भी मेरे पास रखी है फाइल में। तो उन्होंने कहा था उस टिप्पणी में कि रमेश की इन कहानियों का स्वर भारतीय संस्कृति के संकट को हिंदुस्तानी मनुष्य के औसत अनर्गल और दैनिक अनुभवों के बीच तार तार होती हुई आत्मा में छानने वाला स्वर है, उस डाकिये की तरह जो कि मन के संदेश आत्मा को, आत्मा की तकलीफ देह को और देह की छटपटाहट मस्तिष्क को पहुंचाता रहता है। क्या बात है दीदी, मुझे लगता है कि मेरे परवर्ती कहानी संग्रहों की जो भावभूमि है ना, उनके लिए भी यही बात, यह बात सच है। मित्रों, कोई भी विधा दूसरी विधा का विकल्प नहीं है, होती तो क्यों होती इतनी विधाएं, एक ही विधा होती। कहीं ना कहीं हमारे मन में जीवनानुभूति के अनेक विभाग होते हैं जो अपनी अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति चाहते हैं। जो बात मैंने निबंधों में कही है वह मैं कविता में नहीं कह सकता था, वह एक अलग जरूरत में से आई, अलग चुनौती में से आई। जो उपन्यास कहानी से अभिव्यक्त होता है वह निबंध से नहीं मिल सकता है, नहीं झिल सकता है। इसी तरह आलोचना और चिंतन की भी अपनी एक स्वायत्त प्रेरणा और हैसियत होती है। ये सब मैंने क्यों लिखा, क्या मुझे हरफन मौला बनने का शौक था, वो बहुत घटिया बात है, कतई नहीं, किसी तरह से नहीं, ये मेरी गलतफहमी थी, मेरी समस्या थी कि मेरे भीतर ये मांग थी कि इसको अभिव्यक्त करो, तो उसको कविता ही अभिव्यक्त कर सकती है। और दूसरा जो अनुभव हुआ उसको सिर्फ कहानी ही अभिव्यक्त कर सकती है। तीसरी चीज है, नहीं नहीं उसके लिए तो बड़ा कैनवस चाहिए उपन्यास का, और ऐसे भी अनुभव, नाटक सिर्फ एक ही लिखा है मैंने, एक अनुवाद किया और एक मौलिक अनुवाद, कैसे प्रेरणा मिली मुझे, छटपटा उठा गए। अब वो अनुभव उस नाटक में ही आ सकता था किसी तरह से, फिर उसके बाद कभी लिखा नहीं मैंने नाटक, लेकिन उस एक से ही मुझे इतना मिल गया, मेरी जरूरत पूरी हो गई। अब जो पर्सनल एसे है, मैं ललित निबंध कहना पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों था, बहुत लोकप्रिय शब्द है वो, लेकिन मैं पसंद नहीं करता था, तो मैं झगड़ा किया, एक पत्रिका निकलती थी उसमें ललित निबंध ही क्यों, आत्मनिबंध क्यों नहीं। अब ज़्यादातर लोग यही समझेंगे कि भैया ये अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी से इनका नाता है, अंग्रेजी के प्रति इनकी बड़ी वो है, ममता है, तो ये अंग्रेजी झाड़ना चाहते हैं, पर्सनल ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो भाई साहब इन्होंने भी अपने आत्मनिबंध कह दिया, लेकिन हम तो ललित निबंध ही कहेंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। तो जो बात मैंने निबंधों में कही है वो मैं कविता में नहीं कह सकता था, किसी विधा का जन्म कैसे होता है, किसी जरूरत में से ही होता है, जिस जरूरत को वही विधा पूरी कर सकती है। पहला आत्मनिबंध उसका नाम क्या था, चौथी प्याली की बहक चौथी प्याली की बहक, चाय की प्याली शराब के लिए,
रमेश बख्शी थे उन दिनों वहाँ, उन्हें मेरे निबंध बहुत पसंद आते थे। प्रसिद्ध कथाकार जो थे, सबसे ज़बरदस्त एक्सप्रेशन के, नई स्टाइल के धनी, उन्हें मेरे निबंध बहुत ही रुचते थे। जब वो ज्ञानोदय के संपादक बन के चले गए ना, तो पहली चिट्ठी जो उन्होंने मुझे लिखी, तो निबंध जल्दी से भेज दो, और जब भी कोई निबंध लिखो तो किसी को मत देना, नहीं तो वो झगड़ा हो जाएगा, मुझे ही भेजना। और इसमें कोई शक नहीं, मेरे सारे आत्म निबंध जो थे, पर्सनल एसेज, वो सब ज्ञानोदय में ही छपते रहे। तो आत्म निबंध कोई आत्मरति की बात नहीं है भैया। हमारे निर्व्यक्तिक परंपरा जो है ना, आत्मा केंद्रित है, वो आत्म केंद्रित नहीं, आत्मा केंद्रित है। लेकिन उस परंपरा में हमारा खुद का संबंध अपने ही व्यक्तित्व के साथ, अपने ही अनुभव के साथ बिगड़ गया है। अपने ही अनुभव का सामना करने में हमें डर लगता है। हम एक व्यापक स्मृति भ्रंश और सांस्कृतिक आत्मविश्वासहीनता के शिकार हो गए हैं। उसी के चलते अपने समाज को, अपने लोगों को भी हम अपने अनुभव के भीतर से नहीं देखते। एक छाया जीवी, अनुवाद जीवी समझ से देखते हैं। इस दुष्चक्र को तोड़ने में हिंदी निबंध का कैसा क्या योगदान रहा है, ये कोई मुझसे पूछे, मेरे अलावा ही बहुत सारे होंगे निबंध के मर्मज्ञ, कोई मैं ही नहीं, लेकिन निबंध ने वो काम किया है। मेरी आलोचना और चिंतन भी इसी आंतरिक प्रेरणा और ज़रूरत से प्रेरित है। मैं लेट स्टार्टर हूँ, देर में शुरुआत करने वाला, मुझे कभी कोई जल्दी नहीं रही। आराम से जल्दी छप जाए मेरी चीज़, चर्चा हो जाए, ऐसी मुझे कभी तड़बड़ाहट हुई ही नहीं। मुझे हमेशा लग जैसे मेरे पास अपार समय है, अजर अमर हूँ मैं, जैसे क्या मेरी उम्र है, कितना मैं, इसकी मुझे कभी कोई चिंता रही ही नहीं। तो मैं नई कविता के वातावरण में आत्मचेतन हुआ, नए कवियों से बातचीत करते हुए स्वयं उसी दौर में अपने काव्याभिव्यक्ति को भी कमाते हुए बड़ा हुआ मैं। उसी भावभूमि पर मैंने प्रसाद और निराला की प्रासंगिकता को खोजा। कोई आलोचक बनने का शौक नहीं था मुझे। जो मेरी किताब है, क्या नाम है उसका, छायावाद की प्रासंगिकता, आप पूरी किताब उलट जाइए, 200 पेज की किताब है, एक उद्धरण नहीं मिलेगा आपको। मैंने पढ़ा ही नहीं था कुछ भी आलोचना के क्षेत्र में, आलोचना पढ़ के मैंने आलोचना नहीं लिखी। बहुत प्रसाद की कविता पढ़ के मेरी ऐसी हालत हो गई, निराला की कविता ऐसी पढ़ गई, लिखे बिना नहीं रहा गया मुझे। उसमें से वो किताब निकली। तो मैं कह रहा था कि मेरी ये दोनों आलोचना पुस्तकें, छायावाद की प्रासंगिकता और समानांतर, दोनों एक साथ ही प्रकाशित हुई। मैं किसी सोसाइटी का, किसी क्लब का, किसी गुट का मेंबर कभी नहीं रहा। परिमल की मैंने सिर्फ एक आखिरी गोष्ठी अटेंड करी, जबकि वो अपना काम कर चुका था, खत्म हो चुका था। तब मैं पहली आखिरी गोष्ठी, मुझे याद है अशोक वाजपेयी भी मेरे साथ थे, हम सीधी से इलाहाबाद गए वो आखिरी गोष्ठी अटेंड करने का। तो मैं किसी संस्था या गुट से नहीं जुड़ा। इतना जरूर है कि मेरी जो मन पसंद लोग थे वो समाजवादी लोग थे ज़्यादातर, तो उन समाजवादी साहित्यकारों से सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संपर्क मेरा रहा। क्यों? क्योंकि वे लोग साहित्य और राजनीति दोनों जगह सच्चा पूरा आत्मदान करते दिखे मुझे। राजनीति में भी पक्की तरह पूरी तरह, और साहित्य में भी पक्की तरह पूरी तरह। यानी साहित्य की जो स्वायत्त स्वाधीन गरिमा होती है, उसकी हिफाजत का
उनको हमेशा चिंता रहती थी। तो मेरी जो किताब निकली ना बाद में, भूलने के विरुद्ध, आलोचना का पक्ष, समय संवादी, ये सब मेरा जीवन साहित्य संबंधी दृष्टिकोण मेरे सृजनात्मक संघर्ष की पृष्ठभूमि में व्यक्त हुआ। आलोचना और सृजन मेरे लिए सहवर्ती गतिविधियां रही, परस्पर पूरक गतिविधियां रही, वैसे ही जैसे रचना और योग साधना, या कह लीजिए जीवन साधना, जिसमें कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पक्षों की साधना अविभक्त रूप से जुड़ी हुई है। तो वे दोनों सगी गतिविधियां हैं, सहवर्ती गतिविधियां हैं। इसीलिए आज भी मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता कि मुझे 50 किताबें लिखने के बाद भी कि कृतकार्य हो गया, मुझे कुछ नहीं लिखना है, मैं पूरी तरह से अभिव्यक्ति का संतोष, तृप्ति मुझे मिल गई है, जो कुछ कहना था मुझे संसार से, जीवन से, मैं कह चुका, अब कुछ नहीं, ऐसा नहीं मेरे को लगता है। बिल्कुल मौत के मुहाने तक पहुंचने पर भी नहीं लगता है। मेरा साध्य जो था, गंतव्य जो था, आज भी मुझे अब उतनी ही दूर लगता है छिटका हुआ। सारी रचना, सारा विचार मनुष्य का लगता है एक अगम की देहरी को बार बार छू करके बार बार लौट आती है। क्या यही उसकी सार्थकता है? मैं नहीं जानता, मैं समझा भी नहीं सकता, इसलिए मैंने कविता लिखी। जो मैं नहीं समझ सकता और जो मैं नहीं समझा सकता, वो मुझसे कविता लिखवाता है। वो कविता क्या है? इसी बात को वो कहती है, कितनी बार चढ़ा जाने कितने चाखों पर, कितनी बार चढ़ा जाने कितने चाकों पर, कहाँ कहाँ नित नई नई मिट्टियां फेर कर, जाने कितने रंग पक चुके मुझे घेर कर, कितनी बार बना बिगड़ा कितने हाथों पर, तरह तरह की आंच और भट्टी में गलकर। कभी देखा आपने कुम्हार को, मिट्टी के काम करते हैं जो कलाकार, उनको काम करते हुए देखा? वो तरह तरह की आंच और भट्टी में गलकर, परख चुका हर सांचे को मैं उसमें ढलकर, है कोई पात्रता, है कोई पात्रता बची भरते जाने से, खाली हो होकर फिर भरते जाने से, आखिर कब तक खेलूं खुद से छुपन छुपाई, कैसी किसकी आत्मकथा सब सुनी सुनाई, बाहर कुछ भी नहीं सब इस घट में घटता, बाहर कुछ भी नहीं घटता सब इस घट के भीतर घटता है, नया नहीं कुछ इस जग में अब मुझको लगता, देख चुका मैं सारे त्राता और विधाता, नाच तनी रस्सी का भी अब मुझे नहीं सुहाता, अब तो बस रह गया एक सांचों का सांचा, अब तो बस रह गया एक सांचों का सांचा, पता नहीं वह भी सच है या केवल ढांचा। तो मित्रों, ये मैंने जो सुनाना था आपको, वो एक चीज मैंने सुनाई। दूसरा मैंने क्या कहा था? हाँ, हिंदी की जाति संस्कृति, लेकिन ये जरा ज़्यादा समय लेगा, इसको मैं छोड़ता हूँ। कालजयी साहित्य क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, क्यों कहते हैं आप ये साहित्य कालजयी है, क्या मतलब है इसका, इस पर मैंने एक छोटा सा निबंध लिखा, वो मैं आपको परोसता हूँ।
आजकल साहित्य की दुनिया में किसी को भी इस विषय की चर्चा करते हुए नहीं देखा जाता है। किस विषय की? कालजयी साहित्य की। सब वर्तमान से चिपके हैं, आज इस क्षण यथार्थ की उनको उनका जो आग्रह है वो है समकालीन, ठेठ समकालीन। तो अब इस विषय की चर्चा क्यों कर रहा हूं मैं? क्या मुझे पता है कि कालजयी साहित्य के कुछ तयशुदा पैमाने हैं जिनका समकालीनता से कुछ लेना देना नहीं है? नहीं भाई, मैं ये भी नहीं सोचता कि साहित्य वर्तमान संकटों की अनदेखी कर सकता है, करता ही नहीं। किंतु जिस समाज में कालजयी साहित्य की चर्चा नहीं होती है, या कि जो समाज काल साहित्य की जो कालजयी शक्ति है उसके बारे में सोचना बंद कर देता है, जो समाज उसके प्रति उदासीन हो जाता है, उसकी समझ में कोई खोट है। मैं समझता हूँ उसकी समझ में, उसकी संवेदना में, उसके पुरुषार्थ बोध में भी कोई खोट है। ये मुझे लगता रहा है, ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं, बताया नहीं, ये मुझे लगता रहा है। मैं यह भी नहीं मानता कि साहित्य वर्तमान संकटों की अनदेखी कर सकता, कदापि नहीं। सबसे पहले उसी का ध्यान जाता है जो संकट हो। मैं तो समझता हूँ कि जो समाज साहित्य की कालजयी शक्ति के बारे में सोचना बंद कर देता है या उदासीन हो जाता है उसके प्रति, उसकी समझ में कोई खोट है, बड़ी बुनियादी किस्म की खोट है उसमें। ऐसा मैं मानता हूँ, जो साहित्य अपने काल से विदा हुआ नहीं है वह उस काल से उत्तीर्ण कैसे हो सकता है? किंतु समकालीनता की एक चार दीवारी खींच करके उसके भीतर अपने को कैद कर लेना भी तो एक विडंबना है। दूसरी अति है वो भी एक गड़बड़ है, मूर्खता है। मुझे याद है मित्रों, जैनेन्द्र जी के घर में बहुत आता जाता था, जब भी दिल्ली जाता था उनके पास पूरा दिन उन्हीं के साथ मेरा बीतता था। तो उनके जीवन के अंतिम वर्षों में, अंतिम वर्ष तो नहीं कह सकते, काफी उसके बाद 5-6 साल रहे हो, तो उन दिनों एक तकिया कलाम की तरह एक ही बात उनके मुंह से सुनता था मैं, जैनेन्द्र जी, महान साहित्यकार जैनेन्द्र जी। रमेश कहानियां मैं पढ़ता रहता हूं आज भी, लेकिन मेरे को एक शिकायत है, ये कहानी ट्रांसेंड नहीं करती। ये उनका बार बार कहते थे, यानी क्या मतलब था उनका, कि आज की कहानी परिस्थिति के चित्रण में ही लिथड़ी रहती है, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाती। साहित्य से उनकी ये अपेक्षा थी, बड़े साहित्य से उसमें ट्रांसेंड करने की भी क्षमता हो जाती है, खाली चित्रण कर देने की। क्यों पढ़ता आदमी साहित्य? क्या चीज है जो साहित्य को धर्म से भी ज्यादा किसी और टिकाऊ, क्यों, कौन चीज बनाती है ये ट्रांसेंड करने की? क्यों तो कई बार मेरी बहस भी कि ट्रांसेंड करने से आपका क्या मतलब है। एक बार मैं उनके घर पर ही बैठा हुआ था, उसी वक्त प्रख्यात जो इंडो एंग्लिकन है ना, जो तो दक्षिण भारतीय है, ठेठ हिंदुस्तानी, लेकिन अंग्रेजी में ही लिखा है उन्होंने, राजा राव, नाम सुना होगा आपने। तो राजा राव आए थे उनसे मिलने के लिए, तो राजा राव के मुख से ही मैंने सुना था एक वाक्य, क्योंकि उन्होंने जैनेन्द्र जी के उपन्यास त्यागपत्र, सबसे छोटा उपन्यास है वो हिंदी का, सब आकार में सबसे छोटा, जो जैनेन्द्र जी ने कहा वो वाक्य मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा योर रिजिग्नेशन, अंग्रेजी अनुवाद में उसका नाम रिजिग्नेशन है, तो जैनेन्द्र जी ने कहा योर रिजिग्नेशन हैथ
दोस्तोयेवस्कियन डेप्थ, कि तुम्हारे त्याग पत्र में मुझे दोस्तोयेवस्की शरीर की गहराई देखी, इससे बड़ी प्रशंसा कुछ हो सकती है? सोचिए जरा। और कितनी सचमुच, कितनी छोटी सी, कितनी सच्ची बात है ये। कितना छोटा सा कलेवर है उस उपन्यास का, त्याग पत्र, लेकिन आप उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जाने कितना नरक आप पार करके आ गए, जिंदा नरक, साक्षात नरक। मानव मन की कितनी बड़ी, कितनी गहरी खुदाई आपने कर डाली है। आपने नहीं की, की तो जनित कुमार ने है लेखक, आपको लगता खुद आपने की। तो किए क्या हुए, ये कालजयी गुणवत्ता नहीं है तो क्या है? आज भी मेरे ऊपर वही सेंसेशन होता है जो 40 बरस पहले पहली बार त्याग पत्र मैंने पढ़ा होगा तब। क्या ताकत है ये मित्रों? कालजयी सिर्फ महाकाव्य ही होता है ऐसी बात नहीं है, उपन्यास भी कालजयी हो सकता है। और वैसे भी आज के युग, आधुनिक युग में एपिक कौन लिखता है? नहीं है, आज के जमाने में एपिक कोई नहीं लिखता। ये बात वो नहीं है जो कि शमशेर जी ने अपनी कविता में लिखी है, काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर जी की काव्य पंक्ति, काल से होड़ करके कभी कोई कालजयी रचना नहीं लिखी गई। काल का अतिक्रमण करने की सामर्थ्य के बल पर ही कोई रचना कालजयी कहलाती है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, मेरा खुद का भोगा हुआ, देखा जाना हुआ, कारी किताबी नहीं। पीटर ब्रूक का नाम सुना होगा, महान थिएटर डायरेक्टर पीटर ब्रूक, उन्होंने महाभारत पर बनाई पूरी फिल्म। उसका नाटक जो उन्होंने बनाया वो 9 घंटे चलता है, वो 9 घंटे का है, लेकिन संक्षिप्त रूप टेलीविजन में आपने देखा होगा 3 घंटे का है। मेरा सौभाग्य, उनसे पहचान हो गई मेरी पीटर रूप से, बस मैंने मुझे उन्होंने मूल रूप से 9 घंटे का दिखाया, वो दिखाया मैंने, और उनके साथ इस बारे में बड़ी दिलचस्प बात मेरी हुई। तो मैंने उनसे कहा, पीटर आप तो शेक्सपियर के विशेषज्ञ हैं, आपकी सारी जो फेम है, ख्याति है, वो तो शेक्सपियर के माइनर प्लेज को वंचित करने के लिए है। तो शेक्सपियर थिएटर के इसीलिए बड़े विशेषज्ञ डायरेक्टर आप माने जाते हैं। तो इतना जीवन व्यापी काम करने के बाद आपको ये महाभारत को उठाने की क्या प्रेरणा हुई? बरसों लग गए आपके उसमें, क्यों आपने ये परिश्रम किया? उन्होंने कहा, वेल शेक्सपियर इज ए वेरी ग्रेट राइटर एंड ए ऑफ यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस, बट व्यास speaks to me in a tone which I don't expect from Shakespeare. सोचो, उन्होंने कहा कि आज मनुष्यता जिस तूफान में फंसी है, ठीक उसी अर्थ में यूनिवर्सल होने पर भी इतनी पर्सनल अर्जेंसी के साथ अगर कोई रचना मुझसे बात करती है तो वो महाभारत। और मैंने इतने बरस अपने इसीलिए इस पर लगाया, यूं ही नहीं लगा। मैंने फिर उनसे ये भी पूछा कि पीटर आपके नाटक में जो द्रोणाचार्य है वह दक्षिण अफ्रीका से आया है, भीष्म पितामह आपका जापान से आया है, कर्ण आपका मलेशिया के है, सारी दुनिया से, पृथ्वी के प्रत्येक देश से आपने एक एक पात्र महाभारत कर लिया, क्या जरूरत थी आपको ये करने की? क्योंकि आपने ऐसा क्या अर्थ था इस पृथ्वी प्रदक्षिणा का? उन्होंने कहा, उस महाभारत की यूनिवर्सैलिटी को, विश्व व्यापकता को सचमुच लिटरली दर्शक के दिमाग में बैठा देने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं उसको यथातथ एक महासंकट के भोक्ता साक्षी पात्रों के रूप में
समूची पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कराके यह संदेश देना चाहता था, यह झलकाना चाहता था कि 20वीं सदी के मनुष्य के सामने उसकी सारी त्रासदी, उसके सारे संकट के ही नहीं बल्कि उससे निकाल सकने, उबर सकने की भी संभावना को कोई कृति आज अगर इस 20वीं शताब्दी में झलकाती है तो वह महाभारत। अब पीटर ब्रुक के इस कन्फेशन के बाद इससे क्या फर्क पड़ता है कि शास्त्रीय चर्चा में, हमारी शास्त्रीय परंपरा में महाभारत को काव्य भी माना जाता है कि नहीं? नहीं माना जाता। हमारी परंपरा में वह इतिहास कहा जाता है। अब जहां तक आदि काव्य कहे जाने वाले वाल्मीकि रामायण की बात है तो आप माने या न माने, स्वयं कालिदास जिसे आप बड़ा कवि मानते हैं वह भी वाल्मीकि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, खुलेआम घोषित करते हैं ऊंची आवाज में। आपको याद होगा रामायण का वो अध्याय जब लक्ष्मण को दोबारा, जब सीता को वनवास दे दिया, लक्ष्मण को आदेश दिया तुम जाके अपनी भाभी को राना वहां जंगल में, जंगल में छोड़ा, कोई ट्रेजेडी उसकी इस ट्रेजेडी की समता नहीं कर सकती। ऐसा क्षण है सीता को दोबारा निर्वासन कौन? राम स्वयं दे रहे। तो राम के आदेश पर जब सीता को तमसा पार करा के वहां जंगल में छोड़ा, तो सीता अकेली उस बियाबान में बड़े जोर से क्रंदन कर उठी। तो क्या कहते हैं कालिदास वहां पर, याद है आपको? ताम अभ्यगत चतुर्दितान सारी कवि ही कुशेद महारणाय यात निषाद विद्धांडज दर्शनोत्तम श्लोकत्वमापन्न यस्य शोक। अर्थात एक मानवी की, और मानवी भी कौन जिसके सामने कोई बड़े से बड़ा देवता देवी नहीं टिक सकते, वो सीता उस मानवी की आर्त पुकार को जंगल में अकेली छोड़ती गई। सीता के उस आर्त पुकार को किसने सुना? कालिदास कहते हैं तामभ्य गच्छत वृद्धितानुसारी कवि ही मानवी के आसपास आर्तनाद को एक कवि ने सुना। किस कवि ने सुना? उसी कवि ने सुना जिसने कि एक दिन अपने जोड़े से बिछुड़े हुए क्रौंच पक्षी की व्यथा को सुना था, उसकी चीत्कार को सुना था, उसी ने सीता की चीत्कार को भी सुना। देखिए एक श्लोक के भीतर कालिदास कितनी अलग और कितनी दूर की चीजों को, अनुभवों को मिला देते हैं। मानवीय जगत में भी वही संकट, वही ट्रेजेडी, वही घटित हो रही है, और पक्षी जगत में यानी जो मानवीयता जगत है उसमें भी इस तरह जो चराचर की पीड़ा है उससे संवेदित हो सकने वाला कवि ही सीता की चीख को सुन सकता है। कवि शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि के लिए, वाल्मीकि नाम नहीं लिया हूँ, कवि ही कुशेद महाराज, कवि ही सुन सकता है। अब कहानी का उदाहरण लें, ये तो मैंने महाकाव्य का उदाहरण बताया, आपने सैकड़ों कहानियां पढ़ी होंगी अपने जीवन में, जिनमें से आप केवल कुछ ही कहानियों को दोबारा पढ़ना चाहेंगे जो आपको चैन नहीं लेने देती ऐसी कहानी। मैं एक कहानी का जिक्र करना चाहता हूँ, डेथ ऑफ इवान इलिच, टॉल्स्टॉय की कहानी। अमर कहानी क्या है उस कहानी? एक आदमी मर रहा है, कहानी में एक मरता हुआ आदमी है, उसने कभी नहीं सोचा था वह मरेगा। कौन सोचता है भैया मरने की बात? युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने
कि संसार में सबसे ताज्जुब की बात क्या है? युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया याद है आपको? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतलब। तुम पूछ रहे हो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, क्या तुम नहीं जानते? हम रोज देखते हैं चिता निकलती है, रोज अर्थी जाती है, रोज देखते हैं उस अर्थी में कंधा देते हैं, जलाने में भी मदद करते हैं उसको रोज, फिर भी हम अपने भीतर ही भीतर ये स्वीकार नहीं करते कि हम भी मरेंगे। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, सोचना ही नहीं चाहता। वो इस आंखों देखी सच्चाई को रोज देखते हुए भी वास्तव में कोई आदमी विश्वास नहीं करता कि वो मरेगा, कुछ बात होगी ना। अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो किताबी स्तर पर तो टॉल्स्टॉय का जो पात्र है इवान इलिच, किताब के हिसाब से तो वो भी जानता है, पढ़ रखा उसने कि मैन इज मॉर्टल ही विल डाई, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में जिस पर विश्वास नहीं करता वो। आप अपने भीतर झांक के देखिए कभी, आप एक इंफॉर्मेशन के तौर पर जानते हैं, क्या वास्तव में आप जानते हैं कि आप मरेंगे? कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास नहीं करता सचमुच कि वो मरेगा, रोज दूसरों को देख देख कर। क्या हुआ कि ये आदमी जो था इवान इलिच बड़ा सीधा सच्चा आदमी अपना काम करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो एक तस्वीर टांग रहा था ऊपर, वो था ऊंची जगह में टांग रहा था, अचानक वो गिर पड़ा, वो फिसल गया, चित्र टांग रहा था, उसकी किडनी टूट गई। उस जमाने में किडनी टूट जाए तो बस हो नहीं सकता था कुछ। अब वो लगातार मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, हर दिन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और उसकी सारी मनस्थितियां टॉल्स्टॉय लिखते हैं। वो देखते हैं उसके साथ ही जो उसके साथ काम करने वाले हैं मनुष्य कितना स्वार्थी है, ये साक्षात्कार उसको होता है। वो बड़े खुश हैं कि ये मरेगा तो कम से कम एक पोस्ट जो है सीनियर की वो खाली हो जाएगी, सामने से कोई आ जाएगा, ये विचार ये है उनके मन में। चलो एक आदमी कम हो गया सीनियरिटी के लाइन में, इसकी जगह मुझे मिल जाएगी। सारी नीचता क्षुद्रता मनुष्य की सब दिखा रहे हैं टॉल्स्टॉय, यथार्थवादी ब्यौरे भी सब दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इवान मृत्यु की ओर बढ़ता है, एक मोमेंट ऐसा आता है जब अचानक उसके मन का सारा भयानक त्रास गायब हो जाता है, अचानक एक अनिर्वचनीय शांति उसके भीतर बढ़ जाती है। ये किसी ऋषि मुनि ने नहीं, टॉल्स्टॉय नाम के कथाकार ने लिखी है कहानी। कब? जब सचमुच मृत्यु सामने आ जाती है, वह क्षण समीप आ जाता है, उस क्षण कहानी सतह से ऊपर उठ जाती है, जबरदस्त उछाल लेती है, यानी परिस्थिति को ट्रांसेंड कर जाती है। तो जैनन जी का जिक्र मैंने किया, वो चाहती थी, तब मेरी समझ में आया और मैंने जैनन जी से उस कहानी का जिक्र किया। मैंने पूछा, जैनन जी इसको आप कहेंगे ट्रांसेंड करना, यही मतलब है आपका? वे सब बोले हाँ हाँ, ये कहानी ट्रांसेंड करती है, मेरा आशय यही था। वह मानव सत्य जो प्रकट होता आदमी के भीतर से ही, जो उसे अपनी परिस्थिति से ऊपर उठा देता। इवान इलिच एक अत्यंत मामूली आदमी है, लेकिन एक अत्यंत मामूली आदमी के भीतर भी जो गैर मामूली अनुभूति सत्य बोध की पात्रता हो सकती है, उस तक उठा पाने की क्षमता जिस रचना में हो, वह कालजयी रचना है। तो देखिए मित्रों, आप इसे कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अपोजिट्स, यानी विरुद्धों का सामंजस्य। कितना भयानक त्रास और उजाड़ है वो जो दूसरी कहानी है ना, पूस की रात, याद है आपको? सारी खेती एक रात में नीलगाय चढ़ जाती,
भयंकर संकट है उसके सामने, सब खत्म हो गया है, भुखमरी की कगार पर है वो, लेकिन एक कुत्ता मानवेतर जीव उसका साथ दे रहा है। क्या विद्युत तरंग आत्मीयता की जुड़ जाती है दोनों के बीच में। देखिए कहते हैं कहानी कहते हैं, थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊंची उठती उठती वृक्षों को भी छूने लगी, और उस अंधकार में वो अलाव की लौ ऐसी लग रही थी मानो अंधकार के सागर में प्रकाश की नाव हो। देखिए कौन कवि है जो ऐसे क्षण में, ऐसे महान संकट के समय में, ऐसे त्रास ऐसी वंचना के क्षण में ये इमेज उठाएगा। लेकिन कितना सच है वो, हमें लगता है कि हाँ हिंदुस्तानी आदमी इसी तरह जीता और मरता है, यही उसके जीने मरने की लय है। ऐसे दुख के क्षण में हल्कू को कैसी मस्ती आ रही है, वो कहता आओ जबरा इस अलाव को कूद कर पार करें, पहले वो कुत्ता कूदता फिर वो कूदता है। अब देखिए ये क्या है, कैसा ठोस और सगुन उदाहरण है ये हमारी अपनी स्नायुओं पर, जिस तरह से वास्तविक घटनाओं का असर होता है उसी तरह से पड़ी हुई चीज़ों का भी असर होता है। वो क्या चीज़ है जो मनुष्य और मनुष्यतर को, एक आदमी और एक कुत्ते को इतना पास ले आती है। एक चराचरवादी दृष्टि है ये। मैं एक तीसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। मैं दर्जा 9 में पढ़ता था उस वक्त या 10 में पढ़ता रहा हूँ, तब मुल्क राज आनंद की वो कहानी मैंने पहली बार पढ़ी थी, आप सबने पढ़ी होगी, हर जगह कोर्स में लगती है वो कहानी, द लॉस्ट चाइल्ड, बड़ी प्रसिद्ध कहानी सबने पढ़ी। मित्रों एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी की ये बड़ी भारी वंचना है कि वह रामायण महाभारत पढ़ के बड़ी नहीं हुई, यानी अगली पीढ़ी आज की पीढ़ी। आप बच्चे को मामूली मत समझिए, हर बच्चा रामायण और महाभारत सरीखे श्रेष्ठतम महाकाव्य का रस ग्रहण करने की शक्ति रखता है। ये अनुभव की सच्ची बात है, कोई किताबी बात नहीं मित्रों। ये ठीक है कि आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते लेकिन बुद्धि का समझना ही सब कुछ समझना नहीं है। आपकी कल्पना शक्ति को जो दीक्षित कर दे, आपके आँख कानों को दीक्षित कर दे, ऐसी दीक्षा के लिए बचपन से ज़्यादा बढ़िया समय और क्या होगा। जिसने बचपन में ये भाव दीक्षा पा ली है पक्का समझ लीजिए कि उसने कालजयी साहित्य का असली संस्कार पा लिया। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि अत्यंत छोटी कच्ची उम्र, क्या था मेरे पास, निहायत एक दरिद्र बहुत ही आर्थिक संकटों से जूझते हुए परिवार में हम, क्या सवाल ही नहीं कहाँ की लाइब्रेरी कहाँ का क्या, तो हम तक भी ऐसी चीज पहुंच जाती है। ये परम सौभाग्य मानता हूँ मैं कि अत्यंत छोटी कच्ची उम्र में मुझे एक तरफ रामायण महाभारत और दूसरी तरफ डॉन किशोर जैसा क्लासिक उपन्यास संक्षिप्त हिंदी रूपांतर में पढ़ने को मिल गया। बहुत याद में जब मैंने मूल में पढ़ा डॉन किशोर को, तब जाना कि वो क्यों एक विश्वविख्यात क्लासिक है। लेकिन जो उत्तेजना उस सातवीं में पढ़ने वाले बच्चे को उस उपन्यास के बड़े मामूली सस्ते अनुवाद किन ज्योति को पढ़ करके हुई थी, वो कालजयी साहित्य की खुराक का पहला अनुभव था, असली बुनियाद थी वो। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि कालजयी तो जो है आज के साहित्यकार के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी स्पृहा है। गोएटे का फाउस्ट देखिए आप, या जेम्स राइस का यूलिसीज देखिए, टीएस एलियट का वेस्टलैंड है, ये तीनों भी यानी क्लासिक, ऐसा नहीं कि रामायण महाभारत ही क्लासिक, कालजयी साहित्य आधुनिक युग में भी लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं। ये ताकत निराला के तुलसीदास कविता में है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में है। आज महाकाव्य इसी तरह से लिखा जा सकता है, पुराने ढंग से नहीं। और अंतिम बात मित्रों जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा की बात कही है ना, वह भी कालजयी साहित्य का गुण है।
जो कई सारी चीजों को एक साथ छूता है, वो कालिदास है। विरोधों का सामंजस्य, हंसने और रोने की पराकाष्ठाओं को एक साथ अनुभव कर सकना और प्रकट कर सकना, एक विचित्र अद्वैत में जो हम मनुष्यों का जीवन है, तो जिनमें इसको एक साथ छू सकने की शक्ति होती है, वो काल जैसा है। जैसे कि उसने कहा था, कहानी आप देख लीजिए, कितनी चीजें एक साथ अनुभव करते हैं। कैसा जमाना था जब सवाक फिल्में नहीं थी, अवाक चित्रपट भी नया नया शुरू ही हुआ था, तब एक महाविद्वान जो कि लिंग्विस्ट था, फिलोलॉजिस्ट था, वो कोई उस तरह से कथाकार साहित्यकार थोड़ी था, वो तो एक फिलोलॉजिस्ट था। कैसे ये चमत्कार संभव हुआ, कैसे लिख दिया उन्होंने, उसने कहा था पहला वर्ल्ड लिटरेचर है वो हिंदुस्तान का, उसने कहा था महायुद्ध की पृष्ठभूमि इतनी समकालीन, फिर भी है वह प्रेम कथा, आत्मोत्सर्ग के लिए प्रेरणा देने वाली प्रेम कथा, विरुद्धों की एकता को जो इस तरह से अनुभव करा सकता है, वही तो कालिदास साहित्य। इसी तरह से मुल्क राज का आनंद की कहानी है, द लॉस्ट चाइल्ड, उसमें आप देखिए एक बच्चा जो हर चीज की तरफ लपक रहा है, अपने माँ बाप की उंगली पकड़े हुए मेले की ओर जा रहा है, मेले में बर्फी वाला है, बर्फी लूंगा मैं, बर्फी लूंगा, बच्चा जिद पर उतर आया है, बाप उसको आगे घसीटता ले चलता है, वो कहीं नहीं रुकता है। फिर खिलौने वाले को देकर खिलौना लेने को, आई वांट दैट काइट, और फिर आगे घसीटता। अचानक थोड़ी देर बाद एक भारी भीड़ में फंस करके पिता की उंगली छूट जाती है बच्चे से, और अब वही बच्चा अपने माँ बाप के लिए बिलख रहा है, अकेला पड़ गया है वो। एक अच्छा आदमी आता है, बच्चे को भीड़ से कुचले जाने से बचा लेता है, उसे अपने कंधे पर सवार करा देता है, उस बिलखते बच्चे को बहलाने के लिए, और उसे सबसे पहले बर्फी वाले के पास गया। बर्फी बच्चा कह रहा, नो, आई वांट माई मदर। चरखी वाले के पास ले जाता है, पतंग वाले के पास ले जाता है, जहाँ जहाँ बच्चा जिन जिन चीज़ों के लिए तड़पता रहा था, मांग की थी, उन सब के पास ले जाता है। बच्चा कहता है, आई वांट माई मदर। अब आप इस कहानी को देखिए, इतनी ही है ये कहानी, लेकिन वह कहानी से ज़्यादा बहुत बड़ा अर्थ तुरंत हमारे मन में संप्रेषित करती है। इस दुनिया में मानव जीव की अवस्थिति क्या है, क्या है मानव की अवस्थिति इस जीवन में, इस दुनिया में? एक लॉस्ट चाइल्ड की ही स्थिति है उसकी। हम सबको अपना असली स्वरूप चाहिए, हम सबको, प्रत्येक मानव प्राण, अपना असली पिता, अपनी असली माँ चाहिए। तो ज़रा सोचिए, यह दी चाइल्ड कितने बड़े अर्थ को ध्वनित करती है, कितनी व्यजित करती है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कालिदास साहित्य की पहचान ये होती है मेरे मित्रों, कि वह खुद अपने से बड़े अर्थ को ध्वनित, प्रतिध्वनित करती है। ये थोड़े से उदाहरण मैंने गिनाए, और भी गिना सकता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आप भी अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को याद करिए और खुद सोचिए, उसमें ऐसी कौन सी रचनाएँ हैं जो जो अभी दिए गए उदाहरणों की तरह आपके अंतःकरण को इतना भीतर तक झनझना देने की शक्ति रखती है। कौन दे सकता है ऐसी रचना? एक बड़े अंतःकरण वाला महाप्राण साहित्यकार ही ऐसी कहानी लिख सकता है, ऐसी किताब लिख सकता है, ऐसा मर्म भेदी जो हमारे जीवन को उसका असली अर्थ, असली मूल्य दे, ऐसा आलोक दे जिसकी प्यास हमारे भीतर सदा रहती है, लेकिन उस प्यास को केवल ऐसी कृति ही तृप्त कर सकती है। और इसी कारण हम उसे कालिदास कहते और मानते हैं। बस मित्रों, काफ़ी समय हो गया है और आगे का मैं छोड़ता हूँ। अब जो प्रश्न थे जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब इस बेहद प्रेरक और बेहद आत्मपरक वक्तव्य के लिए। आपने अपनी यात्रा भी बतलाई
और बड़ा साहित्य कालजयी साहित्य होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, जी उसे भी आपने भरपूर कई कई संदर्भों के साथ रखा। आज तक की रचनाओं के भी उसमें हवाले आए, तो बहुत ही एक रोचक और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक यह बातचीत रही। आज कौन कोई बात नहीं करता आजकल जैसी सही थी, कोई जी, नहीं जी, जी जी। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से और अपने मित्रों की ओर से अहमद फराज साहब का एक शेर आपको सुना रहा हूं, साथ साथ आपके लिए है, क्योंकि ज्ञान का भी जी शुक्रिया, ज्ञान का भी अपना एक नशा है। आज हम लोग आपको सुनते हुए उस नशे में भी आ गए हैं, तो अभी आपको अपने साथ बनाए रखेंगे, कुछ एक सवाल भी हैं, उसे भी लेंगे। हाँ, ले। जी पहले यह शेर सुन ले, जी पहले यह शेर सुन ले अहमद फराज जी का। नशे में चूर हूँ मैं भी, नशे में चूर हूँ मैं भी जी, तुम्हें भी होश नहीं, नशे में चूर हूं मैं भी, तुम्हें भी होश नहीं, जी बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो, बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो। तो यह यात्रा आप के साथ अभी बनी रहे, और हम अभी वर्तमान में इस महफिल में आपको कुछ और सुने, उसके कुछ बहाने ढूंढे। तो जो आज के प्रश्न है ये कुछ ऐसे ही बहाने हैं, आपको अभी कुछ देर और साथ जोड़े रखने के बहाने हैं। तो मैं जिन लेखक मित्रों के प्रश्न आए हैं उनमें से एक एक को यहाँ पर रखता हूँ। और पहला सवाल शाह साहब सारा राय जी का है। सारा राय जी का सवाल मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ और स्क्रीन पर भी रखता हूँ। अच्छा जी, वे अपने पिता श्रीपत राय जी को लेकर अपने सवाल पूछ रही हैं। अच्छा। मैं यह सवाल स्क्रीन पर भी रखता हूँ और मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ। सारा राय जी लिखती हैं, सारा राय जी पूछती हैं कि आपके साथ मेरे पिता श्रीपत राय जी का पत्र व्यवहार होता रहा। आपके साथ मेरे पिता श्रीपत राय जी का पत्र व्यवहार होता रहा, आप उन्हें काका कहते रहे। ये जो एक पते पर जो आपकी किताब है वहां से यह संदर्भ सारा जी ने लिया है। आपके साथ मेरे पिता श्रीपत राय जी का पत्र व्यवहार होता रहा, आप उन्हें काका कहते रहे, वे भी आप साथ विकसित हुए इस सहज रिश्ते को भरपूर जीते रहे। पत्रों में कई जगहों पर वे मौसम और उसमें आते बदलावों की चर्चा करते रहे। जी संपादक, सवाल उनका है, संपादक प्रकाशक और आलोचक के साथ आप जानते हैं वे एक बेहद संवेदनशील चित्रकार भी चित्रकार भी थे। जी आप उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से हमसे साझा करें और आप उनके चित्रकार के पक्ष को किस रूप में देखते हैं, ये दो सवाल हैं। जी मैं तो समझता हूँ उनके आत्मा अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा वो था चैनल चित्रकला ही थी, उसमें उनको जो सुख प्राप्त होता होगा, जो उनको तृप्ति, मुझे लगता है कि चित्रकला बहुत बड़ा साधन थी। मुझे याद है श्रीकांत वर्मा ने अच्छा लिखा था, एकमात्र जो उनकी चित्रकला पर सबसे पहले लिखा था, बड़ा सेंसिटिव बहुत अच्छा लिखा था श्रीकांत वर्मा ने उनकी चित्रकला पर। मुझे सचमुच श्रीपत काका के चित्र बहुत मोहते थे और मैं कुछ शेयर करना चाहता था लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी कि अब श्रीपत काका से मैं ऐसी बात की। साहित्य की तो खूब बातें होती थी,
बढ़ चढ़ के चढ़ करके बोल सकता था, मैं खूब खुला हुआ था उनके साथ। ये चित्रकला के बारे में मुझे पता था कि मुझे चित्रकला की वो समझ नहीं है कि मैं एक्सचेंज कर सकूं वास्तव में इनके चित्रों के मर्म को के बारे में इनसे संवाद कर सकूं। तो अपनी रीझ बूझ को भी खुले में प्रकट करने में मैं संकोच किया करता था। कहानी का हर अंक जो होता था उसके मुखपृष्ठ पर किसी विश्व प्रसिद्ध चित्रकार का चित्र हुआ करता था। ऐसी पत्रिका मैंने और कोई नहीं देखी हिंदी में अपने समूचे जीवन में। हर पृष्ठ पर एक महान चित्रकार का चित्र छपा करता था। हाँ, और क्या है कि काका जी को प्रकृति का सौंदर्य भी बहुत ही गहरे रमाता था। रानीखेत के प्रति उनके निरंतर आकर्षण का मूल ही यही था। वहाँ भी मेरी मुलाकात हुई दो तीन बार रानीखेत में भी, और साथ साथ थोड़ा बहुत पहले भी। ये जो अनुराग है ना, उनके और निर्मल वर्मा के वेदन तंत्र के बीच की नज़दीकी को भी सूचित करता है। उनके एक पत्र का उपसंहार देखिए ज़रा, लिख रहे हैं, यहाँ का मौसम मोहक है, वर्षांत का आभास होने लगा है, दुर्गा पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, रंगों में एक पारदर्शी चमक आ गई है। चित्रों की, अब चित्रों की दिशा में मन चल रहा है, लिख रहे हैं चिट्ठी में ही लिख रहे हैं, अब चित्रों की दिशा में मन चल रहा है। संध्या को भजन कीर्तन के स्वर गुंजरित होते हैं और जीवन लगता है बुरा नहीं है। यहाँ पर वो चित्र उनका पत्र समाप्त होता है। अगला प्रश्न क्या था? जी, अगला प्रश्न भी मैं ले रहा हूँ। अगला प्रश्न भी सारा राय जी का ही है और वे पूछ रही हैं कि आपकी और ज्योत्सना मिलन जी की कई कहानियां श्रीपत राय जी की, श्रीपत राय जी ने अपनी चर्चित पत्रिका कहानी में छापी, जब तक वे उन पर अपनी राय भी देते रहे। आपकी पुस्तकें भी सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हुई। बतौर संपादक और प्रकाशक आप श्रीपत राय जी को किस तरह याद करते हैं? अरे, ऐसा संपादक दूसरा मिल ही नहीं सकता है किसी को। जो समझ उनकी थी कि विश्व साहित्य के सर्वोत्तम से उनका मानस बना था, तो उनके पैमाने बहुत बड़े थे। जो समझ थी, जो वो लिखते थे ना कहानी के हर अंक में, वो काका जी का संपादकीय वहीं जो होता था ना, वो अपने आप में एक पढ़ने की चीज़ होती थी। बहुत बाद में मुझे पता चला कि सारा ने वो सब छापा है, तो मैंने बात की तो सारा ने मुझे वो किताब जो जिसमें उनके संपादकीयों का संग्रह है वो मुझे भिजवाई, और मैं उसे बड़े बड़े मूल्यवान धरोहर की तरह से रखे हुए हूँ। एक जगह अमरकांत का लेख मुझे याद आ रहा, अमरकांत कहानीकार जो प्रसिद्ध है ना, उन्होंने लिखा था, मैंने पढ़ी है वो बात उनकी, वो लेख पढ़ा है मैंने अमरकांत। अमरकांत ने लिखा है कि यदि श्रीपद जी कथा समीक्षा में प्रवृत्त होते तो सर्वश्रेष्ठ नायाब कथा समीक्षक होते। अभी क्यों होते, उनको इतना चित्रकला से उनका लगाव था, उससे अलाव था, और उनको सब कथा समीक्षा से क्या मिलना था उनको। लेकिन बहरहाल चूंकि वो समीक्षा इतनी सुंदर होती थी, उनकी कहानी के बारे में जैसा वो लिख सकते थे ना वैसा कोई लिख नहीं सकता, इसलिए अमरकांत ने उनको एक ट्रिब्यूट पे किया है ना। कहानी का अंक मिला नहीं है, सबसे पहले संपादक ही पढ़ता था। एक बार मैंने अपनी समस्या को उनसे कहा तो काका जी ने अपने पत्र में लिखा, उपन्यास को प्रकाशित हो जाने दो, तब मैं उसकी लंबी समीक्षा लिखूंगा तुम्हारे उपन्यास की। कहानियों के विषय में भी मैं जरूर लिखूंगा तुम्हारे।
मैंने अपने उस वक्त में पीएचडी का शोध ग्रंथ लिख रहा था, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था, वो भी लिखा मैंने। मैं अपनी हर परेशानी कुछ उनमें बात ऐसी थी, कुछ आत्मीयता की ऐसी चीज़ थी, बात थी कि मैं जो कभी नहीं कह सकता था, यूँ आसानी से अपनी अपनी परेशानियों का जिक्र लोग से करना मुझे बिल्कुल नहीं चाहता मैं, लेकिन श्रीपद जी के सामने मेरी धड़क खुल जाती थी। उन्होंने भी लिखा, शोध का क्रम प्राणार्थ तक तो होता ही है। यदि तुमको लगता है कि वह तुम्हारी सारी शक्ति सोख लेगा तो उसे स्थगित कर दो या तज दो जी, छोड़ो उसको, शोध को वही हित कर होगा। तज ना ही हित कर होगा लिखा है। श्रीपद जी को मेरी कहानियां बहुत रुचती थी और ज्योत्सना की भी, उनके सराहनात्मक प्रतिक्रिया वो तुरंत मुझे भेजते थे। मेरा पहला कहानी संग्रह वे ही प्रकाशित करने वाले थे, परंतु परिस्थिति के प्रतिकूल होने के बाद कारण नहीं छाप सके, तो उनका 1/10/77 का एक पत्र कहता है, भाई तुम्हारी रचना में तुरंत पड़ गया आतुर होकर के, बड़ी सुकोमल संवेदना से संस्पर्शित कहानी है तुम्हारी, इसे मैं फौरन प्रकाशित कर रहा हूँ अगले अंक में। इसके आगे भी लिखते हैं, क्योंकि कहानियों की पांडुलिपि पहले उन्होंने कहा था कर लो तैयार, दे दो मेरे को, मैं छापूंगा तुम्हारी कहानियों की किताब, फिर वापस कर दिए एक दिन में, तो मुझे बड़ा धक्का लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया। वो कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वो नहीं कर सकते थे इन्वेस्टमेंट नई किताब में। तो लिखते हैं वो कहानियों के श्रीपद जी लिख रहे हैं, कहानियों के पांडुलिपि लौटाते समय पराभव का बोध बहुत गहरे तक उद्वेलित कर गया, पर काल गति पर किसका वश है, प्रार्थना केवल इतनी है कि तुम सब जो मेरे वंशज हो पुष्पित पल्लवित और माँ सरस्वती के चरणों में निवेदित हो सको। कहानियों की पांडुलिपि लौटाते समय कहीं पराभव का बोध बहुत गहरे तक मुझे उद्वेलित कर गया, पर काल गति पर किसका वश था। ऐसी परिस्थिति रही होगी। काका जी ज्योत्सना के प्रति भी बड़ा ममत्व भाव रखते थे। एक पत्र का समापन करते हुए वे कहते हैं, ज्योत्सना से कहो कि अब पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं रहेगी, उसे बहुत योग्य मानता हूँ मैं, अपनी बेटी को कौन योग्य नहीं मानेगा, उसकी खनकती स्वर लहरी मुझे बहुत भाती, बहुत भली लगती है, इसलिए उसके मुँह से सभी कुछ अच्छा लगता है, चाहे तो वो अपना उपन्यास पाठ ही मुझे सुना दे। तो मित्रों, मैं अपनी परिस्थानियाँ उन्हें बताने में संकोच नहीं करता था, मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि श्रीपद जी जैसे अहेतुक स्नेह करने वाले विभूति मेरे जीवन में आई और मुझे कृतार्थ कर गई। मैं समझता हूँ इतना काफी है जी, वो समय भी नहीं है जी। कुछ और प्रश्न लें शाह साहब, कुछ और प्रश्न लें जैसा कहें लीजिए, अब जैसा है जी, ना बज रहा है अभी और जी, भी तो होंगे। हाँ, एक आध और ले लो, एक ले लेते हैं। सारा जी का ही एक और प्रश्न है। हाँ, वे कह रही हैं कि अपने पिता प्रेमचंद जी और उनके साहित्य से लेकर श्रीपद राय जी से आपसे किस तरह की बातचीत किया करते थे, मतलब बातचीत को। हाँ हाँ, मेरा दुर्भाग्य है कि श्रीपद जी के जो पत्र थे ना मेरे पास, वो गुम हो गए, खो गए। ये मैं इतना ट्रेजिक समझता हूँ इस बात को। उनके पत्र मैंने बड़े संभाल करके रखे थे, संभाल, सब खो गए, लेकिन वो एक मेरी किताब है एक पते पर, जिसमें मैंने महान हिंदी के साहित्यकार हैं उनके पत्रों का एक संकलन छपाया है, उसमें सौभाग्य से श्रीपद जी के भी कुछ पत्र हैं, बस उतना ही हुआ है। ठीक, सवाल और ले लेते हैं शाह साहब। रंजना अरगड़े जी के कुछ एक सवाल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो उसको ले लें, रंजना अरगड़े जी जी। हाँ जी, मैं उसको यहाँ पर रख रहा हूँ। हाँ जी, अभी रख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ घसीट में और फिर अपनी ही राइटिंग उसे पढ़ी नहीं जाती, ऐसी विडंबना मेरी है, क्या करूँ।
रंजना अरगड़े जी ने सवाल पूछ लिया है और वे ये पूछ रही हैं दा साहब, हाँ कि मैं पढ़ता हूँ, वे पूछ रही हैं रंजना अरगड़े जी कि आप और ज्योत्सना जी दोनों रचनाकार रहे हैं, एक लंबा समय एक ही प्रकार के परिवेश में रहते हुए और सहज ही समान अनुभव से लगभग गुजरते हुए रचना रीति और अभिव्यक्ति की भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो हर कथाकार जो है वो जीवन सबका एक जैसा नहीं होता, और फिर जो बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, जिस वक्त आदमी सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, सबसे ज़्यादा छाप पड़ती है, तो उस वक्त वो ऐसे प्रश्नों से जूझता है जी, तो वो प्रेरणा मिलती है जी। रंजना जी के एक दो और सवाल हैं, उसको भी ले लेते हैं। रंजना जी अभी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, अच्छा, तो मैं उनसे अनुरोध भी करता हूं कि वे अपना सवाल स्वयं ही पूछ लें। अच्छा रंजना जी, आप सुन रही होंगी। शाह साहब, रंजना जी का दूसरा सवाल भी आ गया है, और वे कह पूछ रही हैं कि आप स्वयं ज्योत्सना जी की रचनाओं का मूल्यांकन किस तरह करते हैं? देखिए, इतने इतने निकट संबंध में रोजमर्रा का जीवन जहाँ शेयर किया जा रहा है, वहाँ अगर सौभाग्यवश संयोगवश दोनों के रचनाकार हैं, तो हर रचनाकार का अपना संघर्ष अलग होता है, और उसका जज, उसका मूल्यांकन करता वो आदमी तो नहीं हो सकता है जो जीवन को शेयर कर रहा है उसके साथ। तो हम लोग बहुत कम ही ऐसा होता था कि मैं उसकी कहानियों के बारे में या वो मेरी कहानी के बारे में या कविताओं के बारे में, सामान्य तात्कालिक प्रतिक्रिया तो हो जाती थी, लेकिन उस तरह से मूल्यांकन जैसा भारी भरकम शब्द ये उपयोग किया है रंजना ने, तो रंजना ऐसा है कि मूल्यांकन आज भी मैं जब फील करता हूँ तो जो डायरी वायरी में लिखा होगा मैंने ज़रूर ना, लेकिन उस तरह से ये बात मन में आती ही नहीं है, वो एक स्वाभाविकता, कहानी उसने मुझसे पहले लिखी, कविता तो मैं बहुत पहले से लिख रहा था, उसे मेरी कविता बहुत रुचती थी, लेकिन कहानी लिखना उसने पहले शुरू किया ज्योत्सना ने, और जब उसके पहली कहानी लिखी तो मैं ईर्ष्या से छटपटा उठा, मुझे लगा कि ऐसी कहानी मैं तो लिख ही नहीं सकता, और तब तक लिखी भी नहीं थी मैंने कोई कहानी, अभी जैसी संवेदना उसकी थी ना कोमल, अलग तरह की, वो किसी से प्रभावित होने वाली लेखिका नहीं थी वो बहुत मौलिक थी वो, उसे न तो गैर जरूरी महत्वाकांक्षा पालती थी और न किसी के जैसा लिखना दिखना चाहती थी, उसकी अपनी दुनिया थी, उसके प्रति वो सच्ची थी, वो लिखती थी। हाँ, तो उस तरह से कभी मूल्यांकन वाली बात कभी हमारे बीच में उस तरह से आई नहीं, मैंने भी एक इनफॉर्मली तात्कालिक प्रतिक्रिया जो हो जाए हो जाए, अब एक आलोचक की तरह से बैठे हैं आप, ये मैं उसकी कहानियों पर या वो मेरी का, ऐसा होता नहीं है और नहीं हुआ जी। जी अगला सवाल, हाँ मैं रंजना जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना अगला सवाल भी पूछें। जी रंजना हाँ, जी स्वागत, वो पूछ रही हैं चाचा। अच्छा, आप हाँ, जी जी, उनका तीसरा सवाल हमारे पास भी वैसे है, लेकिन अच्छा हो कि वे स्वयं भी उसे पूछ लें, तो मैं देखता हूँ कि नहीं तो लिखा हुआ है तो आप पढ़ लीजिए।
हाँ मैं पढ़ देता हूँ जी। रंजना जी का अगला सवाल यह है कि आत्मपरक निबंधों और कहानी की सीमाएं कहाँ छूती हैं? बहुत ये अच्छा सवाल सवाल है, क्योंकि जी रंजना जानती हैं कि मैंने आत्मनिबंधों के साथ मेरा बड़ा जबरदस्त लगाव रहा है, हो सकता है उन्होंने पढ़े भी हों मेरे निबंध, तो इसीलिए यह सवाल पूछने की सूझी उनको। जी लेकिन वास्तव में ये दो विधाएं काफी अलग हैं। फिर भी जो आत्मपरक निबंध हो, ललित निबंध नहीं, हिंदी में तो ये अलग कोटि चल पड़ी है, वो ललित निबंध नहीं, आत्मपरक निबंध, पर्सनल एसे जिसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने इसी डिपार्टमेंट में, इसी विधा में सबसे पहले मैंने लिखा। जी तो ये जो आत्मपरक रचना हुई, तो पर्सनल एसे और कहानी है, तो काफी भिन्न है ये। अब मैं तो इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, मैं आपको एक अपना आत्मनिबंध सुना सकता हूँ और उसके बाद एक कहानी आप देखिएगा, थीम में काफी कुछ समानता होने पर भी आप देखेंगे कि वो अलग चीज बनी है, क्योंकि आत्मनिबंध एक अलग विधा है, बिल्कुल वो स्पेस नहीं दे सकती, एक कहानी देती है, अलग चीज है, इसलिए हैं वो दोनों हैं। लेकिन जी अलग विधा है वो। जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और रंजना जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना अगला सवाल पूछें। वो कुमाऊनी कविताओं को लेकर जानना चाहती हैं शाह साहब, अच्छा, और उनका ये तो सही सवाल बात, है। बड़ी अच्छी बात है, पहली जी बार किसी ने कुमाऊँनी कथाओं के बारे में पूछा मुझसे, वो भी हाँ, रंजना ने। रंजना अरगड़े जी का सवाल है कि क्या कुमाऊनी हाँ कविताएं लिखते हुए आपका हाँ रचना विश्व कुछ बदल जाता है? यह बहुत सवाल बदल जाता है, बहुत बदल जाता है। अरे ये एक भाषा बड़ी विचित्र चीज है भैया, मैं कुमाऊँनी बोलता हूँ ना, तो मैं वही नहीं, वही रमेशचंद शाह नहीं रह जाता मैं जो हिंदी बोलता हुआ, बदल जाते हैं आप, बिल्कुल सच्ची बात है ये, बिल्कुल। मैं ही, अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे आप कुमाऊनी में बात करते हो, और मेरे अपने घर में तो मैं कभी हिंदी का एक वाक्य नहीं बोला मैंने अपने घर में, सच में मैंने अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने भाई बहनों से एक शब्द हिंदी का नहीं बोला होगा, जबकि सब कुछ मेरा जीवन सब कुछ हिंदी सर्वस्व है मेरा सर। क्यों? क्योंकि भाई मातृबोली है ना, हमने बचपन से वही उसी भाषा में जिए हैं, कुमाऊनी में वही मुँह से निकलती है, कोशिश करो फिर भी हिंदी नहीं निकलेगी, तो ऐसा संबंध है। अच्छा, उसमें रचना करने की बात कभी नहीं आई मेरे मन में, बहुत बरसों तक नहीं आई। हम हिंदी में लिखते हैं ठीक है, कुमाऊनी में बोलते हैं, अपना जीवन जीते हैं, ये क्या, ये बहुत है, क्या जरूरी है उसमें लेकिन साहब एक समय ऐसा आया, अचानक क्या हुआ मुझे कि कोई कुछ हुआ मेरे साथ जो को व्यक्त करने के लिए कुमाऊनी ही आई, लिखा मैंने उसको, मजा आ गया मुझे, ऐसा मजा आ गया जो हिंदी की कविता लिखते हुए नहीं, मुझे लगा कि मैं इस बात को कुमाऊनी में ही कह सकता, कुमाऊनी ही मुझसे कहलवा सकती थी इस बात को इस तरह से, तो ये है, ये फर्क है। तो मेरा है कविता, पूरा कविता संग्रह मेरा कुमाऊनी में है, एक गद्य की किताब भी कुमाऊनी में है मेरे, बहुत लिखा है मैं, लेकिन वो अलग है, बिल्कुल बहुत अलग हो जाता है। मैं उन कुमाऊनी कविताओं का, यानी हिंदी है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि इसको हिंदी में कर दीजिए मजा आ जाएगा आपके हिंदी के पाठकों को, नया स्वाद मिलेगा। मैं कहा नया स्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं क्या जानू, मैं कैसे जानू ये मिलेगा ही, अगर वो एक चीज होती तो आती कैसे कुमाऊनी, कविता कुमाऊनी में जी क्यों आई, नहीं आई जी हो, इसी भाषा में कही जा सकती, मैं जी तो आपको उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन अब समय नहीं है और देर हो गई है जी ना, तो कुछ एक प्रश्न जो पहले से हमारे पास हैं उसको ले हाँ लें। रंजना हाँ जी से अनुरोध कि वे अपना अंतिम सवाल भी पूछ लें,
और उनका अंतिम सवाल है शाह साहब, कि मैं उसको मुझे लगता है कि रंजना जी ने वह सवाल अभी वो संभवतः रखेंगी। वे पूछ रही हैं कि आपके अध्यापकीय अनुभव लोक ने आपके अध्यापकीय अनुभव लोक ने आपके लेखक की कितनी मदद की है संवेदनाओं को गहराई और विस्तार देने के संदर्भ में। एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से पूछ रहा है। नहीं नहीं, ये अच्छा अच्छा सवाल है। ये आज तक किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा नहीं है। इसका जवाब भी सहज में दे सकता हूँ कि भैया उपन्यास कहानी लिखने में तो मेरा अध्यापकीय अनुभव जो है उसने कोई मदद कोई खास की नहीं, क्योंकि अध्यापक लोग जो होते हैं ना नीरस चरित्र होते हैं, वो उनमें वो लाइफ वो उछा है ना, वो एक कैरेक्टर के रूप में नहीं पकड़ते। आप देख लीजिए विश्व साहित्य में भी जब भी कोई अध्यापक आता है ना, चाहे वो चेखो के यहाँ आए, वो एक हास्यास्पद व्यंग का आलंबन बनकर ही आता है। ऐसे में हो सकता है मेरी कुछ कहानी में एक आध कहानी आया, मुझे याद नहीं आ रहा है कि अध्यापक। हाँ, आलोचना पढ़ाने में मेरा जो अध्यापक, क्योंकि अध्यापक मैं किसी मजबूरी में नहीं बना, वो मेरी फर्स्ट चॉइस था। अगर मुझसे कोई तब उस वक्त भी कहता लो ये IAS ऑफिसर बनो, ये है तुम्हारा ये कलर और ये प्रोफेसर है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, तो मैं लबक के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरी पर ही कूदता। मैं कोई कलेक्टरी फलेक्टरी कोई IAS मुझे रत्ती भर भी मेरे को मोहता नहीं, प्रलुब्ध नहीं करता है ना। तो आप एक थोड़ा एक आदर्शवादी किस्म का है एक भीतर, तो हमारे बचपन में जो अध्यापक हुआ करते थे ना है ना, उनमें से कुछ की तगड़ी छाप मेरे मन पर पड़ी है। हमारे लिए अध्यापक तो गजब की चीज़ था। अध्यापक गुजरता था बाजार से तो हम पीछे लड़के पीछे पीछे लग जाते थे, हमें अद्भुत दैवी चरित्र प्रतीत होते थे। अध्यापक को इस तरह से बाजार में सब्जी खरीदते देखना विश्वास ही नहीं होता कि अध्यापक ईश्वर के समकक्ष की चीज सब्जी खरीद रहा है, कैसे हो सकता। तो वो श्रद्धा की भावना वो एक बड़ा मजा है। तो मैंने भी अध्यापक ही बनना चाहा, वो मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरा वर्ण है, वो मेरा वर्ण स्वतंत्र है। अध्यापक छोड़ के और कुछ नहीं बनना चाहता था जहाँ तक अपनी आजीविका कमाने का सवाल है, क्योंकि लेखक बने रहकर तो आप कुछ नहीं खा सकते, सवाल ही नहीं है, इतनी कमाई होती नहीं है उससे, प्रश्न ही नहीं है। तो कमाई तो उसी से होती थी, लेकिन खाली कमाई के लिए नहीं, कमाई तो किसी दूसरे जरिए भी हो सकती थी। अध्यापक बनना मैंने चुना, अध्यापन से मुझे प्रेम था, ये बात दूसरी है कि उसने मेरे कहानीकार को या उपन्यासकार को नहीं छेड़ा। मेरा ये जो शौक था अध्यापन में भी रस था, मुझे पूरी निष्ठा से पूरे उत्साह से पढ़ाता था। मैं जहाँ भी गया, याद करते होंगे लड़के मेरे याद करते हैं अब भी, लेकिन क्या है ना उन्हें अब भी मेरे कथाओं के चरित्र नहीं बने, एक अलग दुनिया होती है। कथा चरित्रों के रूप में अध्यापक मुझे नहीं दिलचस्प प्रतीत हुई उस तरह से। लेकिन आलोचना पढ़ाने में, यानी ये जो मेरा अध्यापक होना है उसने आलोचक होने में जरूर मदद की। मैंने मेरा ख्याल है मेरी आलोचना में जो गुण हैं, कई लोगों का कहना है वो गुण इसलिए भी है कि मैं अध्यापक रहा हूँ और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अध्यापक रहा हूँ, बच्चों का बड़ा प्रिय पात्र है ना, लड़कियों का तो खास तौर से क्योंकि लड़कियों के कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाया मैंने और वे मुझे ज़्यादा पसंद आती थी, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें डूब सकती थी एकदम से जी। तो उनको पढ़ाने का लड़कियों को पढ़ाने का अनुभव मेरा
लड़कों को पढ़ाने के अनुभव से ज्यादा सुस्वादु और ज्यादा संतुष्ट करने वाला रहा। जी जी शुक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी। और अगला प्रश्न है शाह साहब जयशंकर जी का। हाँ। आपके पुराने साथी लेखक मित्र। हाँ। अनुज भट्ट जयशंकर जी आपके गहरे अध्येता भी हैं। हाँ। वे पूछ रहे हैं कि आपके उपन्यास गोबर गणेश में ये पंक्तियां आती हैं, कोट करते हैं, कोई भी आदमी महज आदमी रह के संतुष्ट होने से संतुष्ट नहीं होता, उसे यह महसूस करना अच्छा लगता है कि उसकी भी एक नियति है कि उसे कुछ और होना है। या सवाल है जयशंकर जी का, अपने बरसों पुराने इस ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में आज अपनी इस बेचैनी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई जयशंकर, ये बड़ा विकट प्रश्न पूछ दिया तुमने। ये तो बड़ा साहस स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन बड़ा जानलेवा भी है। नियत शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर कि कोई भी आदमी महज आदमी रह के संतुष्ट नहीं होता, उसे यह महसूस करना अच्छा लगता है कि उसकी भी कोई नियति है। तो क्या मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसमें? भाई क्या है कि हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में नियति का उतना हिस्सा नहीं है जितना पुरुषार्थ के। आप देखेंगे भारतीय भाषाओं में, भारतीय चिंतन में पुरुषार्थ की बात की गई है ज़्यादा, नियति की नहीं। रशियन फिक्शन में डेस्टिनी ज़्यादा आती है, पुरुषार्थ की बात वहाँ उतना नहीं आती। ये फर्क है कथा साहित्य में भी रूसी और हिंदी का। और वैसे भी पुरुषार्थ आप वो श्लोक तुमने सुना ही होगा, एक बच्चे को भी याद होता होगा वो, धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्य कोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थक। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से अगर किसी पुरुषार्थ को आदमी ने नहीं साधा तो मान लेना चाहिए कि बेकार जिया, वो व्यर्थ जिया, वो उसका जन्म निरर्थक है। तो पुरुषार्थ की बड़ी वैल्यू है हमारे यहाँ, नियति की वो वैल्यू नहीं है। तो धर्म जिसकी स्वार्थ सबसे ज्यादा चर्चा होती है, दो अर्थ हैं जिसकी, स्वधर्म का अर्थ जैसे आग का धर्म होता है, पानी का धर्म गलाना, आग का धर्म जलाना है, अलग अलग धर्म है कि नहीं है? ये भी धर्म का एक अर्थ है यार, ये बार बार निकल जा रहा भैया। तो दो अर्थ हुए इस तरह धर्म के, एक तो सामान्य प्रकृति, सामान्य स्वभाव धर्म, और दूसरे वो जिसे हम यथार्थ कहते हैं, उसका अतिक्रमण करने की क्षमता, ट्रांसेंड करने की क्षमता जिसे कहते थे जैन। तो वो भी आती है बात इसमें, जो मात्र रूटीन नहीं है, रहन सहन के औसत दर्जे से ऊपर उठ करके उच्चतर मूल्यों को अपनाकर उनसे अपनी लालसाओं, पैसा कमाने या महत्वाकांक्षा प्रशंसा कमाने, इस लालसा से जो ऊपर हो वो है। तो साहित्य का सीधा और गहरा संबंध तन से नहीं होता, मन से होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का भी कारण हो सकता है। एक साहित्यकार से ज्यादा इस बात पर और कौन विश्वास करेगा बताओ? साहित्य क्या करता, हमारे मन पर ही तो एक्ट करता है, मन से ही तो बदलता है हमको, मन को ही तो पकड़ता है और वही चित्रण हमें सबसे अच्छा लगता है। तो मूल्य बोध जो है मनुष्य की मनुष्यता की सबसे उच्च मांग है।
तो अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी ऊपर उठ जाना चाहता है आदमी, उनसे भी स्वतंत्र हो जाना चाहता है। तो मनुष्य में कुछ ऐसा है जो कि उसे कामनाओं, सहज कामनाओं से भी ऊपर उठने की मांग करता है। धर्म तो अर्थ और काम से ज्यादा ऊंची चीज है ही, मोक्ष धर्म से भी ऊंची चीज है। इसलिए सर्वोच्च पुरुषार्थ जो है मोक्ष है। मोक्ष मतलब स्वतंत्रता। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? फ्रीडम। सारी जिन चीजों के लिए आदमी सब दुनिया भर के करता फिरता, उन सबसे मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति। तो उपन्यास की जिस बात को तुमने उद्धृत किया है कि सामान्य जीवन से सामान्य मनुष्य के लिए कही गई है वो बात, कोई भी आदमी सहज सामान्य जीवन जी करके संतुष्ट और कृतार्थ नहीं हो सकता है। कुछ और है उसके भीतर जो उसे कुछ और उच्चतर स्तर तक अपने औकात से भी बहुत ऊपर उठने की को ललकारता है। वो क्या है? वो महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन किसी भी महत्वाकांक्षा से ऊपर की चीज है। जैसे कामायनी में तुमको याद होगा, कामायनी का मनु से क्या कहलवाया है प्रसाद जी ने? वो कहता है, मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। देखिए आई एम, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा वरदान है। मैं हूं, मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसे हूं, ये तो बाद में बात आती है। मैं हूं ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं हूं और ईश्वर है, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। मैं हूं ज्यादा इमीडिएट चीज है, ईश्वर को किसने देखा, लेकिन मैं की सत्ता को कौन अनुभव नहीं करता? वो साधारण स्वार्थ में लिथड़े हुआ मैं नहीं, बल्कि मैं हूं अपने होने की जो अनुभूति है वो इस मनुष्य जगत का सबसे बड़ा परमार्थ भी उसी में से आता है। मैं हूं तो फिर मैं क्या हूं, कौन हूं, क्या पहचान है मेरी? जी, तो ये चीज है। तो ये आत्मस्वरूप की खोज है ना, आत्मस्वरूप मैं कौन, ये आत्मस्वरूप की खोज, ये सबसे बड़ी चिंता होती है उपन्यास के लिए, कहानी के लिए। और अगला का एक और सवाल आ रहा है, वे पूछ रहे हैं जयशंकर जी, आपने अपने उपन्यास पूर्वापर में, वे आपके उपन्यास पूर्वापर को उद्धृत करते हुए पूछ रहे हैं कि आपके उपन्यास पूर्वापर में आपका नायक एक जगह कहता है, बंटू के उपन्यास से यह सारी खुराफात शुरू हुई, यह तो ठीक है मगर क्यों हुई, वह निर्लिप्ति क्या, वह निर्वेद क्या, जिसे एक उपन्यास महज एक उपन्यास हिलाकर रख दे। और वे आगे पूछते हैं जयशंकर जी कि आपने खुद कितने उपन्यास लिखे, न जाने कितने ही देशी विदेशी उपन्यासों को पढ़ा भी है, तो आपके लिए उपन्यास क्या है और आपके लिए उपन्यास क्यों है? यह सवाल है जयशंकर। नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं क्यों हूँ, आखिर क्या हूँ और क्यों हूँ। तो उपन्यास का नायक इसी कुछ की खोज, उसकी तृष्णा, वही सबसे बड़ी तृष्णा है उसकी, सामान्य तृष्णा नहीं, जो उसके भीतर ही कुछ है जो उसे जता रहा कि यह जीवन वरदान इसीलिए है कि वह मनुष्य के अपने मनुष्यत्व की चरम सिद्धि की ओर प्रेरित करता है, ललकारता है। मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गान। क्या है ये शाश्वत नभ के गान? मनुष्य जीवन का जो चरम आदर्श है, सबसे बड़ी मूल्य वासना है, वो क्या है? खुद अपनी ही वासनाओं से, अपनी ऐषणाओं से,
अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से भी स्वतंत्र हो जाएंगे, किसी चीज पर निर्भर नहीं है। हर लोभ हर लालसा, ये एक संत की बात भी हो सकती है, लेकिन ये साहित्य के दृष्टिकोण से ये बात कही गई है। साहित्य में भी सबसे बड़ी वासना, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये कि मैं कौन, हू एम आई, ये संन्यास नहीं है, ये संगीत की तरह उच्चतम करा है, अकेलेपन का वैभव कह लो, अकेलेपन की चाहत कह लो जी। तो वो जो है ना कि वो महावासना अकेलेपन की, जिसमें आदमी अब जैसे बंटू के मेरे सवाल में, मेरे उपन्यास में ही होता है ना पूर्वापर में, बंटू का उपन्यास जब पढ़ा, बंसी ने तो चला गया संन्यास लेकर के, लेकिन वहाँ संन्यास में एक भगत के घर में उसको उपन्यास में देखा कि उसके उसका बचपन का साथी जो बंटू है उसका उपन्यास है, तो उठा लाया वो वहाँ से बिना उसको बताए हुए, वो पढ़ा उसने, क्या उत्साह क्या एक्साइटमेंट उसे हुआ होगा, उसका बहुत प्यारा दोस्त, क्लास फेलो, बहुत पुराना, बिल्कुल। अब उसने बंटू का उपन्यास पढ़ा ही नहीं था उसने उस तरह से कोई उपन्यास, वो तो बाबा हो गया, कोई उसे और प्रवृत्ति भी नहीं थी उसकी लिखने की, और उसे पता भी नहीं था कि बंटू लिखता भी है, कि बंटू का भी एक नया रूप होता। तो जब उसने, वो तो सचमुच साधु हो गया था, सच्चे आध्यात्मिक साधना के पथ पर वो चल रहा है, लेकिन जब उसने बंटू का उपन्यास पढ़ा तो वो ईर्ष्या से छटपटा उठा, और पहली बार उसे लगा कि लिखना भी क्या चीज है, उपन्यास रचना ये योग करने से भी ज्यादा आदमी को रमाने वाली वस्तु हो सकती है, और जीवन का सत्य भी प्रकट कर सकता है, ये पहली बार उसको ये महसूस हुआ। तो ये जो सवाल है ना, बहुत जबरदस्त गहरा सवाल है इसका, जयशंकर का, तो उसका उत्तर इसमें निहित है कि क्यों बंशी को बंटू से ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या का कोई कारण नहीं है, बंशी अपने संन्यास लेकर संतुष्ट है, उसे कोई बंटू से कभी कोई ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन ये जो नई बात है उपन्यास लिखना, क्या होता उपन्यास से उसने पढ़ के जाना और तब वो ईर्ष्या हुई उसमें, इसका मतलब ये है कि ये जो रचना है, क्रिएट करना है न, कुछ के भीतर से एक सचमुच के जीवन को जन्म देना है, सचमुच के मनुष्य पात्र को, चरित्र को जन्म देना, ये एक ऐसी सिद्धि है बंसी को पहली बार लगा, ऐसी सिद्धि है जिसे किसी धार्मिक सिद्धि से, आध्यात्मिक सिद्धि से तुलना नहीं की जा सकती, ये एक अलग ही चीज़ है। और पहली बार उसे लगा कि हाँ, उपन्यास, कहानी, कविता, ये भी कोई जबरदस्त परमार्थ है, ये भी, इसमें भी वो आध्यात्मिकता भी होती है जिसके लिए हम साधु महात्माओं के पास जाते हैं, साहित्य से भी मिल सकना चाहिए, ये बात पहली बार आई उसके साथ। मेरे पूर्वापर उपन्यास की सारी थीम ही यही है, खुद उसके भीतर, उपन्यास के मुख्य चरित्र के भीतर जो द्वंद्व है ना सबसे बड़ा, वही है, एक व्यक्तिगत रूप से रमेश चंद्र शाह नाम के व्यक्ति ने, क्योंकि उसने जाना है, उसने साधना का रहस्य क्या होता है, साधना का जो अनुभव होता है वो किसी भी जीवित जागृत अनुभव से भी अधिक चूड़ांत अनुभव होता है, उसने उसको जिसने जान लिया एक बार, तो रचना के अनुभव से किसी तरह कम नहीं है बल्कि बढ़ के ही है, लेकिन दूसरी तरफ अब रचना पढ़ के उसको लग रहा है कि यार ये एक बाबा है, जो बंसी बाबा बन के अच्छा बाबा है, उसके लोग श्रद्धा से पूछते हैं उसे, लेकिन बंटू का उपन्यास पढ़ के वो ईर्ष्या से छटपटा उठा, उसे इच्छा हुई जो उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वो लिखेगा, लेखक बनने की कोई आकांक्षा नहीं है उसमें,
लेकिन वो जी जान से अपने आप आकर्षित हो गया और उसने लगा कि उस उपन्यास में आखिर बंसी और बंटू उन दोनों के संबंध का भी तो चित्र है। तो उसे लगा कि बंटू ने ये लिखा, बहुत इंप्रेस हुआ। उसे लगा कि यार बंटू भी नहीं जानता मेरे भीतर की इस यातना को, मेरे इसके लिए मुझे खुद लेखक बनना होगा, खुद रचना की शरण मुझे लेनी पड़ेगी जी। जीवन की सार्थकता की, जीवन के अर्थ की ये अभिप्सा लिख करके ही पूरी हो सकती है और किसी तरीके से नहीं हो सकती। बहुत बड़े बड़े गुण हैं दुनिया में, लेकिन पहली बार एक साधु को एक लेखक से इच्छा होती है, ये भी सच्ची बात है। अनुभव जो मैंने भी इसी शरीर में, इसी मन में, अपने लहू में, मैंने इस द्वंद्व को मैंने जाना है साधना का, ध्यान का सुख क्या होता है, किसी सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन मुझमें वो हिम्मत नहीं है कि मैं डूब सकूं उसको और सब छोड़ सकूं। मैं रचना, मुझे लगता है रचना का भी ऐसा सुख है जो कोई संत महात्मा नहीं जान सकता उस सुख को। तो जब भगवान ने या विघ्ना ने मुझे ये बख्शा है, ये योग्यता, ये क्षमता कि मैं जीवन को अपनी कल्पना से रच सकूं, वास्तविक जीवन से भी ज्यादा जीवन तो उसको अपनी कल्पना से रच, तो ये भी क्या सिद्धि नहीं है? तो उसे अपने योगी दोस्त से उसको ईर्ष्या हुई। तो वहां से देखो ये उपन्यास पूर्वापर की तो थीम ही यही है ना। तो ठीक है जी, बाकी फिर हम कहेंगे कि भाई कभी आओ मिलो हमसे बात करो, तब तुम्हारे सवाल का जी एक आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल जयशंकर जी का, वे आपकी अगले उपन्यास की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहे हैं कि आपके उपन्यास आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू का नैरेटर एक जगह पर कहता है, लिखना मेरे लिए उतना सहज स्वाभाविक कर्म क्यों नहीं है जितना ध्यान करना। अंकुर जयशंकर जी पूछते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे कि इतनी लंबी सृजनात्मक यात्रा में आपको लिखने के कर्म से क्या मिला और क्या नहीं मिला? लिखने के कर्म से बहुत कुछ मिला है। आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है, उसका लेखक जिस तरह से आत्मज्ञान को हासिल करता है उस तरह से और कोई नहीं कर सकता, एक अलग ही चीज है। वो सुन करके, सीख करके, बुद्धि से तर्क वितर्क करके नहीं, बल्कि खुद होके, यानी आप खुद हो जाते हैं, जिस चरित्र का सृजन कर रहे हैं आप वही हो जाते हैं। एक डाकू, खूनी, हिंसक व्यक्ति भी उसको वो हो सकता है। ये क्या है, कायांतरण है, ये कोई चमत्कार जादू वगैरह नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य के भीतर होती है ना, कि अपने से भी छूटना चाह, तो वो सब कुछ होना चाहता है, सब होना चाहता है वो। जैसे ईश्वर सब कुछ है, सब है, सारे जीव उसमें निहित हैं। आदमी तो नहीं है, आदमी तो अब एक खास साइकोलॉजी, खास फिजियोलॉजी का ही बंदी है वो। लेकिन जिसमें कल्पना शक्ति होती है, जीवन रचने की, मनुष्य को रचने की ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य होती है, वो कर सकता है ऐसा। जैसे प्रेमचंद ने हल्कू को रचा, जो कहानी का हम अभी जी का होरी को रचा, तो आपको महसूस होता है कि जो आपको पढ़कर के जो मिलता है उपन्यास को पढ़कर, रचना तो और बड़ी चीज है वो, और किसी तरीके से नहीं। तो कभी कभी एक साधु को किसी से ईर्ष्या नहीं होती, वो तो ऊपर उठ चुका है सत्ता लोभ लालसा सबसे।
लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो एक महान उपन्यास को अगर पढ़े, उस पर अगर ऐसी अगर रुचि है पढ़े, तो वो उसे लगे कि भाई ये भी तो एक आध्यात्मिक सिद्धि है कि एक दुष्ट व्यक्ति का भी चित्रण आप करते हैं उतनी ही सहानुभूति से। तो ये भी तो बड़ी सिद्धि है कि आपकी करुणा, आप अपनी करुणा दुष्ट से दुष्ट पात्र को भी दे सकते हैं। जैसे घृणा कहते हैं, हेट द सिनर नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। ये कहने की बात है, लेकिन ये सामर्थ्य सिर्फ साहित्यकार में होती है। वो क्योंकि वो जो देखता वही हो जाता है, जो देखे वो हो जाए। दूसरे आदमी से बात करते हुए वो उसके घट में, घट से निकल के उसके घट में बैठ जाए। ये शक्ति सिर्फ साहित्यकार में होती, ये संत में नहीं हो सकती। यही एक जगह है जहाँ संत भी ईर्ष्या कर सकता है साहित्यकार से जी। वरना भाई साहित्यकार तो मुझे लगता है कि काफी समय भी हो गया है। हाँ जी तो एक दो सवाल और हैं, अगर कहें तो लें या फिर छोड़ दिया जाए, जैसा कि रहने ही दीजिए, बहुत देर हो गई है। जी जी तो जी, जो चुनाव के हैं वो हम मेरे से फोन पर बात कर लें या कभी चिट्ठी लिख लें, वरना तो मैं जवाब दे दूंगा चिट्ठी का, है ना। जी बिल्कुल, काफी है। जी काफी समय हो गया उनके। हाँ बहुत समय हो गया, गले में भी मेरे खराश होने लगी है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हो सकी तमाम विषयों पर। साहित्य के भीतर के भी जो जो महत्वपूर्ण विषय हो सकते थे, जिनसे आप प्रभावित होते रहे बतौर लेखक और जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते रहे बतौर पाठक, दोनों ही तरह से, दोनों ही दृष्टिकोण से आपने अपनी बात रखी। और यह मैं आपका, जी आपका बड़प्पन मानता हूं कि आप आज इस समापन कड़ी में हम सभी के अनुरोध पर यहां उपस्थित हुए और अपना यह सारगर्भित वक्तव्य दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका जो इतने लंबे समय तक अनवरत बोलते रहे, यह आसान नहीं है। कुछ एक सवाल रह गए तो हम उसे किसी और अवसर पर आपके सामने निश्चय ही रखेंगे। तो एक बार मैं अपने कुछ मित्रों के नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। विजय पाल जी, मंजुषा गांगुली जी, अलका सराबगी जी, बाल कीर्ति जी जी, और कुछ एक नाम ले लूं, प्रयाग शुक्ल जी, प्रियंका दुबे जी, किरण कुमार मोदक जी, कमल नयन जी और रंजना अरगड़े जी, कुलदीप भंडारी जी, शिवदयाल जी, धनंजय सिंह जी, और कुछ एक नाम मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं और कुछ एक ले लूं, मंजुषा गांगुली जी और कुछ एक मित्रगण हैं, निर्मला सिंह जी, हितेंद्र पटेल जी, रंजना शर्मा जी, एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी जी, रमेश गोस्वामी जी, छाया सागर जी, और कुछ एक नाम सुधीर कुमार जी। हमारे कई वक्तागण भी जुड़े हुए हैं जो इस एकाग्र में शामिल हुए, अपना समय दिया। विजया सती जी, डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी, और ऐसे ही कुछ और मित्रगण, दिगराज शर्मा जी, मंगला रानी जी, और एक जगह से मैं कुछ और नाम ले लूं, अलग अलग जगहों पर जाकर इन नामों को देखना पड़ता है। संतोष अर्ष जी, कल्पना मनोरमा जी, वंदना कुमारी, राम कुमार तिवारी जी और बंकिम जी, महेंद्र रंगा जी, विनोद शाही जी, अंशुमती, आशीष सिंह, अर्चना निगम, साधना अग्रवाल जी, उमा शंकर, त्रिलोक महावर जी,
निरंजन कार्तिक जी, मोती कुमार गुप्ता, अवध गुप्ता, तेज प्रताप कुमार, धनंजय सिंह, उधम उधम, राकेश ठाकुर, दिव्या जैन, नरेंद्र कुमार, मधुमती, पूनम शाह, मदन बिष्ट, जावेद अली और कुछ एक नाम मसलन जयशंकर जी स्वयं भी जुड़े हुए हैं और इस तरह से सभी लोग। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लगा शाह साहब कि हम लोग इतनी देर तक इस कार्यक्रम को आज चलाते रहे। और देखिए यह प्रतिक्रिया प्रयाग शुक्ल जी की ओर से आ रही है कि मुझे यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके व्यक्ति और सर्जक के साथ चल रहा हूं न जाने कब से। पहले मित्र थे वो मेरे साहित्य के क्षेत्र में, पहला जिनके संपर्क में आया प्रयाग जी थे। जी जी, कल्पना शाह जी इस वक्तव्य को अविस्मरणीय वक्तव्य मान रही हैं और सभी लोग सभी की प्रतिक्रियाओं को रखेंगे तो और समय लग जाएगा। पूर्व में हमने उन सभी प्रतिक्रियाओं को रखा ही है, तो मैं चाहूंगा कि अब आप भी आराम करें, थक गए होंगे। और जिस तरह से जिस सघनता के साथ और जिस आत्मपरकता के साथ और जिस भावनात्मक विचारात्मक उद्वेलन के साथ आज आप यहाँ उपस्थित हुए, हम सबको संबोधित किए, शाह साहब निश्चय ही हम आपके आभारी हैं। तमाम मित्रगण इसे महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से यह एकाग्र यहीं समाप्त होता है। हम शाह साहब को दीर्घायु होने की कामना करते हैं, वे नया से नया रचते रहें और जो वो वर्षों से कह रहे हैं ओल्ड मैन इन हरी, आगे दशकों तक इस बात को कहते रहें। शाह साहब, जो आप वर्षों से कह रहे हैं ओल्ड मैन इन हरी, हम दशकों तक इसको सुनते रहें। हमारा बूढ़ा आदमी ऐसे ही जल्दबाजी में बहुत कुछ रचे, बहुत कुछ हमें दे, हम बहुत कुछ पढ़ें। बहुत बहुत आभार कि आपका यह सहयोग, आपका यह मार्गदर्शन मिला। तो मित्रों, इसी के साथ रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित यह एकाग्र यही समाप्त होता है और आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। शाह साहब, एक बार पुनः अभिनंदन, शुक्रिया, नमस्कार। और मित्रों, हम किसी अन्य एकाग्र पर पुनः उपस्थित होंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि अलग अलग शख्सियतों पर हम यूं ही एकाग्र करते रहें और स्वयं को लाभान्वित करते रहें। एक जो मुहिम चल रही है जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से, आप सभी उसमें समान रूप से भागीदार हैं। आप सबके बिना यह संभव ही नहीं है। आपका स्नेह ही हमारी ताकत है। और अंत में मैं मीर तकी मीर का यह शेर कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और एकाग्र पर हम शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।